नेहा संजना के वार्ड के बाहर खड़ी थी। जब उसने दोनों को देखा तो उसने तुरंत उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने बताया कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है। उसके पैरों में मोच आई है और उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है। करण ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा वार्ड के अंदर चला गया। अंदर संजना बेड पर लेटी हुई थी और उसके एक पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। संजना उसे आंखें चुराती हुई झेपती हुई बोली, तुम वापस आ गए? शुक्र है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे फ्रैक्चर नहीं हुआ है और मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ इसीलिए उन्होंने और ज्यादा सावधानी बरतने के लिए मेरे पैर में प्लास्टर लगा दिया है। करण ने उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? ठीक से चल भी नहीं सकती? संजना ने अपना सर मसला और फिर चिढ़कर बोली, मैं चल नहीं रही थी, मैं कुछ उठाने की कोशिश कर रही थी और मेरा पैर फिसल गया। वो सितारा उठाकर करण को दिखाया और कहा, ये सितारा उस हेयर क्लिप का है जो मैंने अपनी बहन को गिफ्ट की थी। अगर पूरी हेयर क्लिप वहां होती तो समझ आता, लेकिन वहां सिर्फ ये क्लिप का टूटा हुआ सितारा गिरा हुआ मिला। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, वो किसी झटके से गिरने की वजह से क्लिप से टूट गया होगा, जैसे कोई एक्सीडेंट या ऐसा ही कुछ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बहन भी मेरी तरह वहां फिसल गई होगी जहां मैं गिरी थी? हो सकता है झटके से गिरने की वजह से उसे होश आ गया हो। रुको, नहीं, शायद एक्सीडेंट के दौरान उसे होश आ गया हो और होश में आने के बाद उसकी याददाश्त खो गई होगी। क्या यही हुआ होगा, इसीलिए वो मुझे ढूंढते हुए वापस नहीं आई। आखिर डॉक्टर्स ने भी तो यही कहा था, अगर कोई काफी लंबे वक्त के बाद कोमा से बाहर आता है तो उसकी याददाश्त खो जाना नॉर्मल बात है। करण को लग रहा था कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन जब उसने संजना की आंखों में चमक उम्मीद की किरण देखी तो इस बात से इनकार करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने धीरे से कहा, हाँ हो सकता है। डॉक्टर्स ने कहा कि संजना को रात में हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो शाम को करण के साथ घर चली गई। जब वो लोग घर पहुंचे काफी रात हो चुकी थी। रात का डिनर अक्सर संजना बनाया करती थी, लेकिन क्योंकि आज उसके पैर में प्लास्टर लगा था इसीलिए वो सोफे पर बैठ गई और उसने अपना पैर टेबल पर रख दिया। करण किचन में फ्रिज चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर संजना से बोला, जो उस वक्त टीवी देख रही थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या मैं बाहर से ऑर्डर कर दूं? खाने के लिए कुछ नहीं है? हो ही नहीं सकता, मैंने कल ही तो इतनी सारी सब्जियां लाकर फ्रिज में रखी थी। संजना जानती थी कि करण झूठ बोल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। करण थोड़ा हिचकिचा रहा है, ओफो, मैंने कहा ना सब कुछ है। संजना सोफे पर लेटकर मुस्कुराते हुए बोली। फिर वो अपनी उंगलियों पर गिनने लगी, देखो फ्रिज में फिश चिकन और सब्जियां, मसाले, अदरक और बाकी सारी जरूरी चीजें रखी होंगी। करण कुछ नहीं बोला। ये लड़की सच में बेवकूफ है, इसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। संजना ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा। मैं कुछ भी खा लूंगी, मटन, स्टीम फिश, चिकन सूप या स्पाइसी चिकन, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं बिल्कुल नखरे नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, तुम जो भी बनाओगे सब चलेगा। बेवकूफ लड़की एक बार में इतनी सारी मुश्किल डिशेस के नाम गिना दिए और बोलती है कि बिल्कुल नखरे नहीं करती। करण ने मुंह बनाकर कहा, तुम कहो तो तुम्हारे लिए 56 भोग बना दूं। संजना ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, वाह, तुम्हें 56 भोग भी बनाना आता है, तुमने तो कमाल कर दिया। करण संजना की बातें सुनकर अपना सर पीटने लगा, बेवकूफ लड़की कभी दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगी। करण चुपचाप किचन में वापस लौट गया और कुछ बर्तनों की आवाज आने लगी। एक पैर पर खड़े होकर संजना ने किचन में झांक कर देखा। नल बंद करके करण ने फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाली थी और खाना बनाने लगा था। संजना सोफे के दूसरे कोने में बैठ गई जहां से करण साफ दिखाई दे रहा था। वो सब्जियां लेकर कुछ सोच रहा था। वो किचन में काम करते हुए कितना आकर्षक लग रहा था। संजना मंत्र मुग्ध हो गई। टेबल पर स्केच बुक रखी हुई थी। संजना उसे देखकर करण का स्केच बनाने लगी। वो उसे किचन में काम करते हुए देख रही थी। उसकी नजरों को महसूस करके करण ने भी चुपके से उसे देखा और अपना काम करता रहा। खाने की खुशबू ने संजना का दिल खुश कर दिया था। वो यही सोच रही थी कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसे करण जैसा जीवन साथी मिला। करण का स्केच बनाने के बाद वो कुछ खाने के स्केच भी बनाने लगी। अभी तक करण ने खाना बनाना खत्म नहीं किया था, लेकिन उसकी जो डिशेस खाने की इच्छा थी वो उन्हीं के स्केच बना रही थी। उसने स्केच बनाने के बाद उनकी फोटो फोन में खींच ली। वो उसे अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन गलती से उसने अपने ऑफिशियल पेज पर पोस्ट कर दिया। संजना अरोड़ा, खड़ूस अमीरजादे के हाथ से बना प्यार भरा डिनर। उसने खाने के स्केच के साथ करण का स्केच भी पोस्ट कर दिया। ये उसका ऑफिशियल अकाउंट था, इसीलिए मिनटों में ही पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आ गए। हे भगवान, मुझे जलन हो रही है, जो खाना बना रहा है वो जरूर संजना का हस्बैंड होगा, प्लीज उसकी फोटो भी पोस्ट कर दो। लेकिन उस पर कुछ अलग कमेंट्स भी थे, जैसे, संजना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे जवाब जरूर देना। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत अकाउंट पर पोस्ट डाल दी थी। वो उसी वक्त उस पोस्ट को डिलीट करना चाहती थी, लेकिन जब तक उसने सोचा कि उसकी पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है जैसे कोई परेशानी खड़ी हो, तो उसने डिलीट करने का आइडिया बदल दिया। जब तक वो फेसबुक देख रही थी, करण का खाना भी बनकर तैयार हो चुका था। संजना कल्पना कर रही थी कि करण ने कितनी मेहनत से उसके लिए टेस्टी खाना बनाया होगा।
इसीलिए पूरा लिविंग रूम खाने की खुशबू से भर गया था। उसके हिसाब से ऐसा कोई काम नहीं था जो करण नहीं कर सकता था। खाने के डिशेस को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। खाना देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा था, स्वाद में तो ये और भी बढ़िया होगा, संजना मुस्कुराते हुए बोली। उसने चम्मच उठाकर चिकन करी टेस्ट की, लेकिन अगले ही पल उसके एक्सप्रेशन बदल गए। रुको, कुछ गड़बड़ है, चिकन करी का टेस्ट कुछ अजीब सा है और इसमें बहुत सारा नमक हो, ऐसा लगता है चिकन भी ठीक से नहीं पका था। संजना ने करण का दिल रखने के लिए खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उसका टेस्ट सच में बहुत खराब था। उसने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए फिश की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये ज्यादा टेस्टी दिख रही है, ये मैं खाऊंगी। संजना ने फिश का पीस मुंह में रखा। फिश बनाने में सबसे आसान होती है, बस करण को उसमें नमक मिलाकर उसे स्टीम करना था। लेकिन ये इतनी मीठी क्यों लग रही थी? कहीं उसने चीनी को नमक तो नहीं समझ लिया? ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी डिशेस देखने में इतनी अच्छी लग रही है और खाने में इतनी बुरी। संजना करण का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो सच में कुछ खा नहीं पा रही थी। ये फिश कुछ अलग सी है, मैं कुछ और खाती हूँ। उसने फ्राइड एग उठा लिए। एक अंडा तो कोई बच्चा भी फ्राई कर सकता है ना, इसीलिए संजना ने सोचा कम से कम ये तो खाने लायक होगा। लेकिन उसमें बहुत नमक था, वो भी इतना ज्यादा कि पूरा अंडा कड़वा हो गया था। संजना को परेशान देखकर करण ने कहा, अगर इतना बुरा टेस्ट है तो मत खाओ। संजना तुरंत बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दो डिशेस में थोड़ा नमक ज्यादा है और फिश मीठी थी, लेकिन खाना देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, लगता है तुम्हारे अंदर मास्टर शेफ छुपा हुआ है। फिर वो करण को छेड़ते हुए बोली, वैसे अच्छा ही है, तुम अगर मास्टर शेफ बन गए तो किसी खूबसूरत लड़की से शादी करके शानदार जिंदगी जी सकते हो, इतना अच्छा ख्याल है। करण ने उसे देखकर मुंह बनाया, जैसे उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर वो बोर हो गया हो। वो बोला, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। ये कहकर उसने सारा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। अब मैं क्या खाऊंगी, संजना ने निराश होकर कहा। वैसे खाने का टेस्ट ठीक था, वो इतना भी बुरा नहीं था, अगर नमक ज्यादा था भी तो भी क्या, मैं थोड़ा ज्यादा चावल मिला लेती। करण ने उसके सामने उबले अंडे रख दिए और बोला, भूख लग रही है तो पहले ये खा लो, मैंने पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था, वो आता ही होगा। करण ने खाना बनाने के बाद आखिर में दो अंडे उबाल कर रख दिए थे। उसे अंदाजा था कि खाने में थोड़ी गड़बड़ है। संजना ने एक अंडा लेकर मुंह में डाल लिया और बोली, वाह ये अंडा अच्छा है, टेस्टी, बहुत टेस्टी। शायद करण को इसमें कुछ मसाला डालने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए खाने में ठीक था। जब संजना को समझ आया कि करण बाहर से खाना ऑर्डर करने की बात कर रहा था, उसे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन वो संजना के सामने ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था। खड़ूस, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, मेरे साथ खा लो। संजना ने एक अंडा पहले ही खा लिया था और उसने दूसरा खाने से पहले करण से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया, तो फिर संजना ने वो भी खा लिया। उनका खाना बाहर से आ गया। जब दोनों ने डिनर कर लिया तो करण ने किचन भी साफ कर दिया। संजना उस वक्त फोन पर बात कर रही थी। अर्पिता को भी उसके पैर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने कहा कि वो कल उससे मिलने आएगी। संजना को महसूस हुआ कि अर्पिता उसे कुछ छुपा रही थी, वो सिर्फ उसका हालचाल पूछने के लिए नहीं आ रही थी, उसे कुछ और बात करनी थी। और सचमुच अर्पिता मोनिका के बारे में बात करना चाहती थी। संजना जानती थी कि मोनिका और उसके घर वाले आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसे माफी मांगते रहेंगे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अर्पिता भी उनकी तरफ से माफी मांगने आएगी। संजना, शालिनी दीदी की किडनैपिंग एक बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन मोनिका का गुनाह इतना बड़ा नहीं है। अगर उन लोगों के कनेक्शन बहुत ऊपर तक हैं, तो वो बिना मोनिका की मदद के भी दीदी को किडनैप कर लेते। मैं मानती हूँ कि मोनिका की गलती माफी के लायक नहीं है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन सविता आंटी और दादी ने कहा है कि अगर तुम मोनिका को माफ कर दो तो वो लोग भी नानी को ये बात नहीं बताएंगे। संजना ने व्यंग भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अर्पिता बोली, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, वो लोग भी नानी को बताना नहीं चाहते, इसीलिए वो उनकी मदद मांगने नहीं आए, बल्कि उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को इस बारे में बात करने के लिए कहा। अर्पिता मोनिका के परिवार को अच्छे से जानती थी। इस वक्त वो लोग किसी भी हाल में संजना को नाराज नहीं कर सकते थे। अगर संजना ने मोनिका को माफ नहीं किया तो भी उनमें नानी को बताने की हिम्मत नहीं थी। मोनिका को बचाने के चक्कर में वो और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे। संजना अर्पिता की बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। क्या शारदा आंटी को उसकी बहन के किडनैप होने के बारे में पता चल गया? संजना ने बेरुखी आवाज में कहा। मैं इस बारे में सोचूंगी। अर्पिता संजना के जवाब की टोन से समझ गई कि उसका मोनिका को माफ करने का कोई इरादा नहीं है और वो खुद भी उसे माफ नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो लोग रिश्तेदार थे और उसकी सगी बुआ की बेटी थी। आज की दुनिया में रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं है। अर्पिता ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन उसकी शारदा आंटी उसे मिलने आई। जब उन्हें पता चला कि शालिनी की किडनैपिंग में मोनिका भी शामिल है तो उनके होश उड़ गए थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी ननद की बेटी पैसों के लालच में इतना गिर सकती है। वो शालिनी के लिए भी चिंतित थे। अभी तो उसका ऑपरेशन हुआ था और वो लोग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे।
अचानक उसे किसने और क्यों किडनैप कर लिया? मोनिका की नानी काफी देर तक उनके सामने रोती रही। आखिरकार वो उनकी सास थी। उन्होंने शारदा को मजबूर कर दिया था कि वो संजना से मदद मांगे। शारदा ने संजना से कहा, वो एक लड़की है, अगर जेल गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संजना, वो लोग जैसे भी हमारे रिश्तेदार हैं, अब जब वो हमारी गलती के लिए पछता रहे हैं तो क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती? संजना बहुत फ्रस्ट्रेटेड और उदास थी। सब लोग मोनिका की तरफदारी कर रहे थे। उसकी बहन के लिए उल्टा सीधा बोलने और उसे किडनैप करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए उसे जेल जाना ही चाहिए। सबको उसकी जिंदगी की चिंता है, लेकिन शालिनी का क्या? शालिनी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो मोनिका को क्यों माफ करे? उसे उसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। भले ही उसने अपनी आंटी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। उसकी जिंदगी में उसकी आंटी सबसे खास इंसान थी। उसके सुख दुख और सबसे मुश्किल वक्त में उसकी आंटी ने उसका साथ दिया था, और इसके लिए वो हमेशा उनकी एहसानमंद रहेगी। और मोनिका के मामले में आंटी सबसे ज्यादा मुश्किल में थी। वो पूरे परिवार को एक साथ बांध कर चलने वालों में से थी, और संजना के एक फैसले से उनका परिवार टूट भी सकता था। एक तरफ उसकी ननद की बेटी थी और दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन की बेटी। फैसला चाहे जो भी हो, अंत में उसका दिल तो टूटेगा ही। जब उस रात को करण वापस घर आया तो संजना ने उससे शालिनी के बारे में पूछा। उसका अभी भी कुछ नहीं पता चला था। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया ने उसकी बहन का नामो निशान मिटा दिया हो। फिर उसने अपनी आंटी के बारे में करण को बताया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मोनिका को माफ कर देना चाहिए? करण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगर कोई दोस्त हो तो शायद आप उससे दोस्ती तोड़ सकते हो, और शायद उसकी शक्ल भी दोबारा ना देखो, लेकिन रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। हर परिवार में कुछ बुरे रिश्तेदार होते हैं जिनको ना चाहते हुए भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। करण ने बस इतना कहा, अगर तुम अभी समझ नहीं पा रही हो तो सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले लो, फिर फैसला कर लेना। ये कहकर करण अपनी बार टेबल पर बैठ गया और ग्लास में वाइन निकाल ली। उसने ग्लास में वाइन को हिलाते हुए बोला, मोनिका के खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं उनमें काफी कमियां हैं। अगर तुमने उसे जेल भेज भी दिया तो उसे 15 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते। संजना को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन उसकी वजह से मेरी बहन किडनैप हुई है तो फिर उसे 15 दिन की सजा कैसे हो सकती है? करण ने उसे शांत नजरों से देखा, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और रहस्यमयी भावनाएं थी जो कोई समझ नहीं सकता था। लेकिन इस वक्त कोई नहीं जानता कि तुम्हारी बहन जिंदा भी है या नहीं, और उसने सिर्फ ट्रांसफर पेपर पर साइन किए थे, और कानून इसके लिए उसे कोई बड़ी सजा नहीं दे सकता। संजना अपनी आंटी का बहुत सम्मान करती थी। जो भी हो, वो उनको शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती थी। करण को लगा कि शायद ये जानकर उसके दिल का दर्द थोड़ा कम हो जाए। काफी देर तक संजना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उसका फोन बजने लगा। उसे त्रिशा ने एक रोने वाला इमोजी भेजा था। संजना ने तुरंत जवाब दिया। क्या हुआ? संजना, क्या तुम फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चल सकती हो? मुझे बहुत रोना आ रहा है। जैसे ही संजना जवाब देने लगी, उसको त्रिशा का एक और मैसेज आया। मेरा प्यार अधूरा रह गया। संजना को फौरन समझ में आ गया कि त्रिशा रेहान की शादी होने की खबर सुनकर दुखी है। लेकिन त्रिशा ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करती थी। उनके सर्कल में सिर्फ रेहान ही एक लड़का था। काफी देर तक संजना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उसका फोन बजने लगा। उसे त्रिशा ने एक रोने वाला इमोजी भेजा था। संजना ने तुरंत जवाब दिया। क्या हुआ? संजना, क्या तुम फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करने चल सकती हो? मुझे बहुत रोना आ रहा है। जैसे ही संजना जवाब देने लगी, उसे त्रिशा का एक और मैसेज आया। मेरा प्यार अधूरा रह गया। संजना को फौरन समझ में आ गया कि त्रिशा रेहान की शादी की खबर सुनकर दुखी है। लेकिन त्रिशा ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करती थी। उनके सर्कल में सिर्फ रेहान ही एक लड़का था। कहीं उसका अंदाजा सही तो नहीं था? कहीं त्रिशा रेहान से प्यार तो नहीं करती थी? संजना सच में त्रिशा के साथ जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे 3 दिन तक चलने से मना किया था। उसने त्रिशा को लिखा, गिरने से मेरे पैर में चोट आई है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ? करण के पास बहुत बड़ा बार है जिसमें हर तरह की शराब है, तुम जो चाहो पी सकती हो। त्रिशा ने थोड़ी देर के बाद जवाब दिया, क्या तुम करण को आज रात कहीं और रुकने के लिए कह सकती हो? क्या? संजना ने करण की तरफ देखा, जो बार टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था और साथ ही वाइन पीता जा रहा था। संजना की बहन खो गई थी और उसे मोनिका का मामला भी सुलझाना था। अब उसे त्रिशा के साथ भी डील करना था, जिसका दिल टूटा हुआ था, उसका वक्त ही कुछ खराब चल रहा था। ठीक है, वो भी त्रिशा के साथ शराब पीकर अपने दिल के सारे गम दूर कर लेगी। ठीक है, आ जाओ, मैं करण को आज रात कहीं और सोने के लिए कह दूंगी। उसे जवाब देकर वो काफी देर तक करण को इंटेंस नजरों से देखती रही। करण उसकी इंटेंस नजरें कैसे महसूस नहीं कर पाता? उसने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन अब उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसने संजना को चार्मिंग नजरों से देखा और बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं तुम्हारी चोट की परवाह नहीं करूंगा और तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। संजना शरारत से मुस्कुराती हुई बोली, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? क्या बात करनी है? करण ग्रोवर को घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं थी।
मेरी दोस्त मुझे मिलने आना चाहती है, त्रिशा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम हॉस्टल में साथ रहते थे और उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। वो आज रात को मेरे यहाँ रुकना चाहती है, संजना ने धीरे से कहा। करण चुपचाप उसे देखता रहा। संजना समझ गई थी कि करण उसकी बात मानने के मूड में नहीं था, इसीलिए उसने आगे कहा, लेकिन वो बहुत शर्मीली है। इसके अलावा तुम भी हमारे बीच में कंफर्टेबल नहीं रहोगे, क्यों ना आज रात तुम मम्मी और सनी के साथ रुक जाओ। करण ने जोर से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और गुस्से से दांत पीछने लगा। संजना उसे गुस्से में देखकर बहुत नर्वस हो रही थी। अचानक से कमरे में बहुत तनाव हो गया। संजना ने करण को देखा जो उसकी तरफ आ रहा था। वो उस पर गुस्सा नहीं होगा, है ना? वैसे तो वो हमेशा की तरह बेरुखा और खड़ूस दिख रहा था, लेकिन ये लड़का कई बार गुस्से में बिल्कुल बच्चा बन जाता है। संजना ने घबरा कर कहा, मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये कहकर संजना अपने दिल पर हाथ रखकर सोफे पर लेट गई और दर्द में होने की एक्टिंग करने लगी। ये देखकर करण मुस्कुराया। इससे बुरी एक्टिंग उसने कहीं नहीं देखी थी। उसने संजना को छेड़ते हुए कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? संजना तुरंत अपने एक पैर पर खड़ी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे डराओ मत। उन्होंने इसका खास तौर पर ध्यान रखा था कि वो अभी प्रेग्नेंट ना हो। करण उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, लेकिन अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें उल्टी आ रही है और तुम्हारा दिल घबरा रहा है। संजना की चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए वो झेपते हुए हंसी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना? मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। करण को वापस गुस्सा होते देख संजना ने उसके गले में बाहें डाल दी और कहा, ठीक है अब गुस्सा मत हो, बस आज की रात मम्मी के यहाँ सो जाओ प्लीज। लेकिन वो कभी इतनी छोटी बात के लिए नाराज होने वालों में से नहीं था। वो उसे बहुत सोच समझ कर कुछ कहती थी, या कहीं वो उसे गलत ट्रीट नहीं कर रहा? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके सामने वो अपने दोस्तों से मिलाने या उससे बात करने में झिझकने लगी है? करण ने उसे हक करते हुए किस करना शुरू कर दिया। संजना भी उसके पैशन में डूबती चली जा रही थी। करण ने किस करते हुए उसे होंठों पर हल्के से बाइट किया था, जैसे वो उसे वार्निंग दे रहा हो। संजना ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा। वो करण को पुश करना चाहती थी, लेकिन करण ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। संजना ने उसे पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? करण ने आगे बढ़कर उसे वापस होंठों पर बाइट कर लिया और शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? संजना घबरा कर बोली, नहीं, त्रिशा अभी आती ही होगी। संजना की आवाज में भी पैशन था, लेकिन उसकी आंखें अभी उससे खुद को कंट्रोल करने के लिए कह रही थी। करण थोड़ी देर तक उसे हक करके खड़ा रहा और जब वो शांत हुआ तो उसने संजना को सोफे पर बिठा दिया। करण ज्यादा देर वहां नहीं रुका और उसके जाते ही त्रिशा भी आ गई। संजना को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे तसल्ली दे। उसने कहा, वो नहीं, मत रोना प्लीज, एक तरफा प्यार का कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम ड्रिंक नहीं करना चाहती? मेरे घर पर जो भी है तुम सब पी सकती हो। त्रिशा ने करण की वाइन कैबिनेट की तरफ देखा जहां संजना इशारा कर रही थी और वो इतनी सारी शराब देखकर हैरान रह गई। अचानक से उसका चेहरा खिल उठा और वो कैबिनेट की तरफ दौड़ी। उसने एक वाइन की बोतल उठाकर कहा, वाओ, ये वाइन मैंने हमेशा टीवी पर देखी थी, मुझे ये पीनी है। उसने संजना के जवाब का इंतजार नहीं किया और बोतल खोलकर अपने लिए एक ग्लास में वाइन निकाल ली। वाओ, इसका टेस्ट कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया वाइन है, संजना बोली। मुझे भी एक ग्लास निकाल के दो। संजना की बात सुनकर त्रिशा ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो फिर तुम ड्रिंक करके क्या करोगी, और वैसे भी मेरा मूड खराब है, तुम्हारा नहीं। संजना ये बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, मेरा भी मूड कुछ अच्छा नहीं है। त्रिशा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, तुम्हें क्या मैं अंधी दिखती हूँ? सर से पांव तक तुम्हारे पास से प्यार की महक आ रही है। संजना सबको अपनी बहन के खोने के बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने त्रिशा को समझाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन पहले तो तुम किसी से प्यार नहीं करती थी, तो फिर तुम्हारा कौन सा प्यार अधूरा रह गया? त्रिशा उसके सोफे पर लेटकर वाइन पीने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए, वरना तुम मुझे रेहान के साथ वक्त बिताने के इतने मौके कैसे देती? जब उस दिन हम तीनों बाहर खाना खाने गए थे तो तुम वहां से जल्दी चली आई थी। हम दोनों ने उसके बाद बहुत ड्रिंक की। मैंने उस दिन रेहान से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। संजना ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता? उसे लगा था कि रेहान के दिल में भी त्रिशा के लिए फीलिंग्स है। त्रिशा ने नाम में सिर हिलाया और बोली, अगर वो मुझे पसंद करता तो वो किसी और से शादी क्यों करता? मुझे हमेशा से पता था कि वो मुझे पसंद नहीं करता। मैं जानती थी कि वो, कई बार उसे इस बात से बहुत जलन होती थी कि रेहान जिससे प्यार करता है वो अभी भी उसकी दोस्त है, भले ही वो उसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम वो साथ तो है। लेकिन वो ये नहीं कर पाएगी। भूल जाओ, छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा और रो लूंगी, लेकिन बाद में मैं खुद को संभाल लूंगी। आखिर ऐसे कितने लोग हैं जिनका जवानी में दिल नहीं टूटा होगा, त्रिशा ने वाइन पीते हुए कहा। संजना ने पूछा, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड से मिली? त्रिशा अपने ग्लास में वाइन डालते हुए बोली, हाँ, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है वो लड़की बहुत चालू किस्म की है और रेहान के लायक नहीं है। मैं उसे मिली तो नहीं हूँ,
लेकिन अगर वो लड़की सच में रेहान के लिए ठीक नहीं है तो मैं उससे बात करूंगी और उसे इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचने के लिए कहूंगी। थोड़ा रुक कर संजना ने आगे कहा, लेकिन अगर उसकी गर्लफ्रेंड सच में एक अच्छी लड़की निकली तो तुम्हें उसे भूलना होगा। एक दिन तुम्हें अपना सच्चा प्यार जरूर मिल जाएगा। संजना ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। कई बार चुप रहना एक मरहम की तरह काम करता है। बहुत देर तक रोने के बाद त्रिशा ने अपने आंसू पोंछे और संजना से मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमसे बात करने के बाद अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। संजना ने उसे हौसला देते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम खुद को बर्बाद नहीं होने दोगी। अगर मैं एक तरफा प्यार के गम में डूबी रहूंगी तो मैं जीऊंगी कैसे? त्रिशा ने वाइन पीते हुए कहा, ये वाइन सच में बहुत अच्छी है। क्या मैं बाकी बची हुई बोतल अपने साथ घर लेके जाऊं? तभी उन्हें डोरबेल सुनाई दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हर रोज थोड़ी थोड़ी करके पियोगी। संजना ने उसको जवाब दिया और फिर दरवाजे की तरफ देखा। त्रिशा, क्या तुम दरवाजा खोलने में मेरी मदद करोगी? क्या तुमने नहीं कहा था कि करण आज रात वापस नहीं आएंगे? त्रिशा आश्चर्यचकित थी और घबरा भी रही थी। संजना बोली, ये पक्का वो नहीं है? त्रिशा ने पूछा। तो फिर कौन हो सकता है? त्रिशा ने दरवाजे की पीप होल से झांक कर देखा। बाहर 40 से 50 की उम्र के बीच की एक खूबसूरत और एलिगेंट औरत खड़ी थी। उसे लगा कि शायद कोई पड़ोसी होगी, इसीलिए उसने दरवाजा खोल दिया। जब उस खूबसूरत लेडी ने देखा कि दरवाजा किसी और ने खोला है तो उन्होंने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरे बेटे के घर पर क्या कर रही हो? मेरा बेटा और बहू कहाँ है? जब संजना ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो लिविंग रूम से चिल्लाई, मम्मी। जब नीना ग्रोवर ने संजना की आवाज सुनी तो उनकी जान में जान आई और वो सीधा अंदर आ गए। उन्होंने संजना को देखा और उसके पैर में प्लास्टर देखा। वो परेशान हो गई। संजना, ये क्या हुआ है? तुम्हें चोट कैसे लगी? करण ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? संजना बोली, मैं गलती से फिसल गई थी और मेरे पैर में बस हल्की सी मोच आई है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। कल मेरा प्लास्टर भी हट जाएगा। त्रिशा उन दोनों की बातें सुनकर दंग थी। ये करण की माँ थी, संजना की सास? उसे नहीं पता था कि वो अभी भी इतनी खूबसूरत और जवान दिखती है। वो उसे ऐसे दिख रही थी जैसे वो उनके बेटे बहू का घर तोड़ रही हो। त्रिशा को समझ नहीं पा रहा था कि इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। लेकिन संजना की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। कहावत भी तो है, एक अच्छे पति पाने से ज्यादा एक अच्छी सास पाना भाग्य की बात होती है। संजना ने पूछा, मम्मी आप यहाँ कैसे? नीना ग्रोवर ने कहा, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें चोट लगी है। क्यों ना मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ कुछ दिन रुक जाऊँ? संजना को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास रुकना चाहती है। उसने पूछा, लेकिन सनी कहाँ है? नीना ग्रोवर बोली, वो अभी अपने डैडी के पास गया हुआ है। फिर उन्होंने आगे बोला, तुम्हारा गेस्ट रूम ऊपर है या नीचे? तब संजना को एहसास हुआ कि नीना ग्रोवर अपना लगेज साथ में लेकर आई है जो दरवाजे के पास रखा हुआ था। उसने कहा, वो नीचे की तरफ है। नीना ग्रोवर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हारे पास रहूंगी। ये कहकर वो अपना लगेज लेकर गेस्ट रूम में चली गई। क्या हुआ? त्रिशा ने संजना से पूछा। वो थोड़ी नर्वस दिख रही थी और उसे संजना से जलन भी हो रही थी। तुम्हारी सास को तो पता चला कि तुम्हें चोट लगी है, तो वो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ तक आ गई? मुझे लगता है बात कुछ और है, क्योंकि उन्हें मेरी चोट के बारे में पहले नहीं पता था। कहीं उनकी डैडी से लड़ाई तो नहीं हो गई? संजना ने तुरंत फोन उठाकर करण को फोन मिलाया और त्रिशा से कहा, कुछ गड़बड़ है, मैं करण को फोन करके पता करती हूँ। करण इस वक्त ग्रोवर मेंशन में था। जनरल ग्रोवर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने करण से कहा, जाओ और जाकर तुम्हारी मम्मी को ढूंढो, ये औरत मुझे पागल करके छोड़ेगी। करण से बात करने के बाद संजना को पता चला कि ग्रोवर्स के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे जो माँ बेटी की जोड़ी थी, जिसमें उस औरत का हस्बैंड जनरल ग्रोवर का क्लासमेट था। वो बचपन से साथ बड़े हुए थे। बाद में जनरल ग्रोवर ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और उनका दोस्त विदेश चला गया था और वो तब से अब तक वहीं था। कुछ वक्त पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और मरने के पहले उसने जनरल ग्रोवर को कॉल करके उसके परिवार का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो लोग भारत वापस लौट रहे थे। क्योंकि वो उनका बचपन का दोस्त था और उस पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए जब तक उनके दोस्त की फैमिली का कहीं और रुकने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक उन्होंने उन्हें अपने घर पर रहने की इजाजत दी थी। इस बात से नीना ग्रोवर को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत भली औरत थी और मेहमानों की आवभगत बहुत प्यार से करती थी। लेकिन उन्हें जनरल ग्रोवर के दोस्त की बीवी से प्रॉब्लम थी, जानकी जायसवाल, क्योंकि वो जनरल ग्रोवर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। जानकी जनरल ग्रोवर का पहला प्यार थी, लेकिन किसी वजह से उनका और जानकी का ब्रेकअप हो गया था और उनके दोस्त से शादी कर ली थी। बाद में जनरल ग्रोवर की शादी नीना से हो गई थी, जिनका शादी से पहले का सरनेम सिंघानिया था। नीना ग्रोवर ने भी जानकी को कभी देखा नहीं था। जब उनकी शादी हुई थी तब तक जानकी देश छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन उन्होंने जनरल ग्रोवर और जानकी के प्यार के बहुत किस्से सुने थे। सब कहते थे उनका प्यार बहुत पैशनेट और इंटेंस था और वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। और अब जब जानकी उनके घर पर रहने के लिए आ गई है तो ये बात नीना ग्रोवर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
मैं बस ये सोच रही थी कि मुझे दरवाजा खोलते देखकर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया था। वो तो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ, त्रिशा ने धीरे से संजना के कान में कहा। लेकिन तुम तो कहा करती थी कि करण की माँ बहुत सीधी है, इसीलिए जब मैंने उन्हें गुस्से में खड़े देखा तो मुझे एहसास नहीं हुआ था कि वो तुम्हारी सास भी हो सकती है। संजना स्थिति के बारे में सोच रही थी, वो थोड़ा कंफ्यूज भी थी। मेरी सास को बिना वजह गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता है कि जरूर जानकी ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो गुस्से में घर छोड़कर आ गई। त्रिशा बोली, तो फिर हम क्या करें, तुम्हारी सास को यहीं रहने दें? बिल्कुल नहीं, संजना को तो बहुत चिंता हो रही थी। तुम बिल्कुल जानती हो कि मेरी सास कितनी भोली है, मैं जो कहूंगी वो मुझ पर विश्वास कर लेगी। उनकी उम्र मत देखो, करण खुद कहता है कि मम्मी इतनी सीधी है कि कोई भी उनको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अगर जानकी यहाँ कुछ प्लानिंग के साथ आई है तो अब तो उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी है और जनरल ग्रोवर का स्टेटस बहुत बड़ा है, तो वो जरूर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। मेरी सास ऐसी चालबाज औरत का सामना कैसे करेगी, त्रिशा ने पूछा। तो क्या तुम अपनी सास के साथ ग्रोवर मेंशन जाना चाहती हो, संजना ने पूछा। लेकिन तुम क्या करोगी? मेरा क्या, मैं ठीक रहूंगी, चिंता मत करो। ये कहकर त्रिशा ने संजना को खड़े होने में मदद की और उन्हें गेस्ट रूम में लेकर गई जहां नीना ग्रोवर उदास बैठी हुई थी। संजना ने रोते हुए उन्हें पुकारा। मम्मी, नीना ग्रोवर ने कहा। क्या हुआ? प्लीज रो मत। नीना ग्रोवर संजना को दर्द में नहीं देख सकती थी, उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। संजना रोते हुए शिकायती लहजे में कहने लगी, मेरी करण से लड़ाई हो गई है, मैंने थोड़ा मजाक किया और वो नाराज हो गया। उसने मुझे फोन पर ये कहा कि उसे तलाक चाहिए। संजना कुछ दिनों से वैसे ही बहुत परेशान थी और रोते हुए उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उसके आंसू असली थे लेकिन उसके रोने की वजह वो झूठी थी। त्रिशा को लगा कि वो जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रही थी। संजना को भी लगा कि कहीं उसकी एक्टिंग उस पर भारी ना पड़ जाए, इसीलिए उसने रोना बंद कर दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी मुझे तलाक चाहिए। क्या, एक छोटी सी लड़ाई में तलाक लेना चाहता है? ये सब वो कहां से सीख रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नीना ग्रोवर ने संजना को तसल्ली देते हुए कहा। जब उनकी नजर त्रिशा पर पड़ी तो उन्होंने उसे घूरते हुए पूछा, कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरा बेटे बहू के बीच में लड़ाई नहीं हुई और बात तलाक तक पहुंच गई? इन सब में मैं कहां से आ गई? त्रिशा उनका आरोप सुनकर हैरान थी, उसे रोना आ गया था और वो इनकार करते हुए बोली, नहीं नहीं आंटी, आप विश्वास करो, मैं यहाँ करण के जाने के बाद पहुंची थी। नीना ग्रोवर ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, सिर्फ तुम उसके जाने के बाद आई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी लड़ाई की वजह नहीं हो सकती। मैं बता रही हूँ, मेरे बेटे का घर तोड़ने की हिम्मत मत करना, उनकी आवाज में चेतावनी थी और त्रिशा एक दुश्मन। त्रिशा को रोना आ रहा था, उसने उन्हें समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपके बेटे से शादी करने की सोच भी नहीं सकती हूँ। संजना ने आंखों ही आंखों में त्रिशा से माफी मांगी। जब नीना ग्रोवर ने त्रिशा की बात सुनी कि वो करण से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो तुरंत देखकर उसे मुस्कुराने लगी। त्रिशा ने उसका बदला व्यवहार देखकर सोचा, वास्तव में नीना ग्रोवर संजना की बात पर अंधा विश्वास करती है, जो संजना ने कहा उसने सब सच मान लिया। नीना ग्रोवर बोली, मैं करण को कॉल करके उसे घर वापस आने के लिए कहती हूँ। जैसे ही वो फोन करने लगी, संजना ने उन्हें रोक दिया और उनका हाथ पकड़कर बोली, करण का फोन बंद है, मम्मी मैं तलाक नहीं लेना चाहती, इस वक्त वो ग्रोवर मेंशन में है, क्या आप मेरे साथ उससे बात करने चलोगी? नीना ग्रोवर बोली, मिष्टी करण मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, भले वो बहुत खड़ूस है, अहंकारी नेचर का हो, लेकिन वो प्यार के मामले में बहुत सहनशील है और वो उन लोगों में से नहीं है जो शादी को बच्चों का खेल समझते हैं। जब उसने तुमसे शादी कर ली है तो जिंदगी भर इस शादी को निभाएगा, आजकल के जवान बच्चों की तरह नहीं कि आज शादी की और कल तलाक ले लिया। उनकी इस बात का मतलब साफ था कि वो घर वापस नहीं जाना चाहती। संजना और त्रिशा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर त्रिशा ने कहा, आंटी मुझे लगता है कि आपको संजना को करण के पास लेकर जाना चाहिए, वो इतना दुखी थी कि उसने पहले खुदकुशी करने की कोशिश की। ये सुनते ही नीना ग्रोवर पूरी तरह से घबरा गई, तुम इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हारा तलाक हो भी जाए तो भी तुम कभी भी, हे भगवान मैं अभी क्या बोल रही हूँ, ठीक है मैं तुम्हें अभी करण के पास लेकर चलती हूँ। संजना ने त्रिशा की तरफ देखा, खुदकुशी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन ये आइडिया काम कर गया, संजना नीना ग्रोवर के साथ ग्रोवर मेंशन आ गई। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे उन्होंने जानकी को लिविंग रूम में बैठे हुए देखा। जानकी जनरल ग्रोवर के साथ बातें कर रही थी और करण उनके पास बैठा हुआ था। जब उसने नीना ग्रोवर की तरफ देखा जो एक लड़की को चलने में मदद कर रही थी तो उन्हें देखकर मुस्कुराई, उसे उस लड़की को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जवानी में तो वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी लेकिन फिर भी वो नीना ग्रोवर की सुंदरता के सामने कुछ नहीं थी। लेकिन उसकी मुस्कान देखकर संजना समझ गई कि वो एक चालबाज औरत थी। संजना ने उससे नजरें हटाकर करण की तरफ देखा और रोते हुए बोली, करण। फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ी और करण ने आगे बढ़कर उसे बाहों में ले लिया। संजना ने अपना नाटक जारी रखा और उसके सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी हबी, ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे तलाक मत दो, हम बात करके अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेंगे, ठीक है? करण चुपचाप उसकी एक्टिंग देख रहा था, उसके मन में सवाल था
उसने सोचा आखिर ये क्या कर रही है, तलाक की बात कहां से आ गई। संजना को अपने प्लान के बारे में करण को बताने का मौका नहीं मिला था। उसने बस इतना कहा था कि वो उसका ग्रोवर मेंशन पर इंतजार करे और वो मम्मी को जरूर घर वापस लेकर आएगी। जब नीना ग्रोवर ने देखा कि संजना के हक करने के बाद भी करण उसे बात नहीं कर रहा है तो वो उसे डांटने लगी। तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो, छोटी सी लड़ाई के पीछे अपनी बीवी को तलाक कौन देता है। तुम जानते नहीं हो कि बीवी घर की लक्ष्मी होती है और तुम्हें उसे पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए। करण ने उनकी तरफ देखा लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। क्या किस्मत है, पहले सिर्फ मम्मी भोली थी अब बीवी भी स्टूपिड मिली है। संजना ने गहरी सांस भरकर नीना ग्रोवर की तरफ देखा जैसे वो बहुत दुखी हो। मम्मी ये सब मेरी गलती है, मेरे मजाक की वजह से करण को गुस्सा आ गया और थैंक यू सो मच मम्मी, अगर आप मुझे यहाँ नहीं लेकर आती तो मुझे करण से माफी मांगने का मौका नहीं मिलता। संजना की इस बात से अब सब समझ गए थे कि नीना ग्रोवर को संजना की वजह से घर वापस आना पड़ा था, वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी। जानकी ने मुस्कुराकर जनरल ग्रोवर से कहा ये सब आपके घर की बातें हैं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जनरल ग्रोवर ने उसकी बात पर हामी भरी, वो उसे बहुत विनम्रता से बात कर रहे थे जैसे वो उनकी नजर में मेहमान से ज्यादा और कुछ नहीं हो। संजना ने उनसे मुस्कुराकर कहा हेलो आंटी। जनरल ग्रोवर ने उसका परिचय देते हुए कहा ये मेरी बहू है करण की बीवी। जानकी ने मुस्कुराकर कहा हेलो, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, तुम मेरी बेटी की उम्र की लगती हो, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम दोनों साथ में घूमने जा सकते हो। संजना ने मुस्कुराकर जवाब दिया जरूर। संजना का जवाब सुनकर जनरल ग्रोवर को बहुत अच्छा लगा लेकिन जब उनकी नजर नीना पर पड़ी तो उनको वापस गुस्सा आने लगा। नीना ग्रोवर भी जनरल ग्रोवर को नाराज देखकर बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। संजना को लगा कि कहीं नीना ग्रोवर अपनी जलन की वजह से जनरल ग्रोवर के साथ फिर से लड़ाई ना कर ले, इसलिए उसने लंगड़ाकर चलते हुए उनसे कहा मम्मी हमारा घर बहुत छोटा है लेकिन करण का विला काफी वक्त से खाली पड़ा हुआ है, क्यों ना हम जानकी आंटी को वहाँ शिफ्ट कर दे। लेकिन नीना ग्रोवर के कुछ कहने से पहले जानकी ने साफ मना कर दिया इसकी कोई जरूरत नहीं, हम बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं और जैसे ही हमारा घर तैयार हो जाएगा हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अब मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। जनरल ग्रोवर ने उन्हें मेंशन में नहीं रुकवाया था बल्कि उनके घर के बाहर एक कॉटेज था जहां गार्ड्स वगैरह रुका करते थे, उन्होंने उन दोनों माँ बेटी के रुकने का इंतजाम वहां कर दिया। संजना को ये बात बहुत अच्छी लगी थी और उनकी नजर में जनरल ग्रोवर की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है अब जब सब कुछ ठीक है तो चलो वापस घर, नीना ग्रोवर का इरादा साफ था, वो करण और संजना के साथ घर वापस जाना चाहती थी। ये सुनते ही जनरल ग्रोवर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। संजना ने नीना ग्रोवर को समझाते हुए कहा मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, फिर उसने चुपके से करण को इशारा किया, वो समझ गया कि संजना क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने भी उसका साथ देते हुए कहा मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ, तुम दोनों भी ना। अपने बेटे बहू को ज्यादा देखकर नीना ग्रोवर मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई और जनरल ग्रोवर से मुंह मोड़ लिया, वो अभी भी उनसे बहुत नाराज थी। जब रौबदार और तानाशाही जनरल ग्रोवर ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वो नीना ग्रोवर के सामने बैठकर उनका हाथ पकड़कर बोले क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। नीना ग्रोवर ने उन्हें घूरते हुए उनका हाथ झटक दिया और दूसरी तरफ को मुंह करके बैठ गई, प्लीज गुस्सा मत हो, तुमने देखा है क्या वो लोग कॉटेज में नहीं रह रहे, उन्हें भी बाकी मेहमानों की तरह समझ लो, उन्होंने प्यार से कहा। नीना ग्रोवर बोली लेकिन तुमने उन्हें अभी यहाँ रखा ही क्यों, मैं तुम्हें ऐसा क्या कहूँ जिसे तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए, इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। फिर उन्होंने नीना ग्रोवर के पास बैठकर उन्हें गले से लगा लिया और बोले मैं जानता हूँ कि तुम भी उसे पसंद नहीं करती हो लेकिन उसका पति मेरे बचपन का दोस्त था, अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहा और ये लोग इंडिया वापस लौट आए तो मुझे उनकी थोड़ी मदद तो करनी चाहिए ना। संजना और करण अपने कमरे में जाने की बजाय ऊपर खड़े होकर चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। जब करण ने देखा कि उनके पेरेंट्स के बीच सब ठीक हो गया है तो वो संजना को कमरे में वापस ले आया। संजना काफी देर तक शॉक में थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके रौबदार ससुर दिल ने उसकी सास को इतना प्यार किया है और उनकी हर इच्छा का बहुत सम्मान करते होंगे। इस बारे में सोचते ही उसने करण से पूछा तुम्हारी नजर में एक आदर्श बीवी कैसी होनी चाहिए। संजना ने जैसे ही ये सवाल किया वो बहुत नर्वस होने लगी, उसे ये सवाल करने की क्या जरूरत थी, पता नहीं वो क्या जवाब देगा। संजना के दिमाग में बहुत सारे जवाब घूम रहे थे और वो ये भी सोच रही थी कि वो खुद एक आदर्श बीवी बनने के लिए क्या कर सकती है। करण ने बेरुखी से जवाब दिया किसी भी तरह से तुम एक आदर्श बीवी नहीं हो। संजना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, तुम भी तो कोई आदर्श पति नहीं हो, मैं एक सीधा साधा पति चाहती थी, मैं आदर्श बीवी नहीं हूँ तो फिर मुझसे शादी क्यों की, करण में अपने पापा के गुण क्यों नहीं आए। संजना उससे और बात करने के मूड में नहीं थी इसीलिए उसने अपना फोन निकाल लिया। आज लाइफस्टाइल की ऑनलाइन वेबसाइट पर सेल शुरू होने वाली थी, वो सोच ही रही थी कि पता नहीं उसको जो ड्रेस पसंद है उस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ उसकी ड्रेस को छोड़कर लाइफस्टाइल के सारे ब्रांड्स पर डिस्काउंट था, उसकी वो ड्रेस अभी भी बहुत महंगी थी। संजना ने मुंह बनाकर अपना फोन बंद कर दिया। करण तिरछी नजरों से उसे देख रहा था, उसने वो ड्रेस भी देख ली थी जिसे संजना डिस्काउंट पर लेना चाहती थी।
पैर की चोट की वजह से उसे सुबह एक्सरसाइज के लिए उठने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसकी नींद बहुत देर से खुली। आज संजना बिना सहारे के लंगड़ा कर चल रही थी, जिसे देखकर नीना ग्रोवर को बहुत डर लग रहा था। वो बोली, संजना तुम बिना सहारे के चल सकती हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है ना कि मैं कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं बाद में हॉस्पिटल जाकर ये प्लास्टर हटवा दूंगी। जब तक संजना डाइनिंग टेबल पर पहुंची, वहां सब लोग पहले से बैठे हुए थे। जनरल ग्रोवर के साथ जानकी और एक मॉडर्न लड़की बैठी हुई थी, जिसने सर से पांव तक शनेल ब्रांड की चीजें पहन रखी थी। देखने से ही वो जानकी की बेटी लगती थी। संजना के बैठते ही उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हेलो, मेरा नाम वैदेही जायसवाल है। संजना ने भी मुस्कुराते हुए अपना परिचय दे दिया। उसने वैदेही को गौर से देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी और किसी हीरोइन जैसी दिखती थी। वो अपनी माँ की तरह सिर्फ दिखती नहीं थी, बल्कि उसका व्यवहार भी जानकी की तरह था। संजना करण के पास जाकर बैठ गई। जानकी भी वहाँ बैठी थी, इसीलिए उसने चुपके से नीना ग्रोवर की तरफ देखा। वो भी अच्छे मूड में नहीं थी, क्योंकि शायद जनरल ग्रोवर ने उन्हें मना लिया था। लेकिन वो जानकी से अभी भी बात नहीं करना चाहती थी। सब लोग चुपचाप नाश्ता कर रहे थे और बीच बीच में संजना वैदेही को भी देखती जा रही थी। पता नहीं क्यों उसे वो नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने ये नाम कहीं तो सुना था, वैदेही। वो काफी देर तक इस बारे में सोचती रही, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। नाश्ता करने के बाद करण संजना को प्लास्टर निकलवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर गया। जब उसका प्लास्टर हट गया तो उसे अर्पिता का कॉल आया। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी और वो जानना चाहती थी कि अब उसका पैर कैसा है। वो बोली, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इस तरह की चोट लगना तुम्हारे कॉम्पिटिशन के लिए ठीक नहीं है, तो प्लीज आगे से ध्यान रखना। तुम्हें चोट लगना हमारे लिए बुरे सपने जैसा है। जब उसे पता चला कि संजना का पैर अब बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा और डांटने के बाद उसने फोन काट दिया। संजना अपनी जगह पर जैसी जम सी गई। बुरा सपना, उसने सोचा। अचानक उसे कुछ याद आया, लेकिन फिर उसने ना में सिर हिलाया, जैसे वो खुद अपनी सोच पर विश्वास नहीं कर पा रही हो। वो उलझन में थी। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? करण की आवाज उसके कानों में पड़ते ही संजना हंसते हुए बोली, अर्पिता का कॉल आया था। अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। करण ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। जब उसे तसल्ली होगी कि संजना बिल्कुल ठीक है, तो उसने आगे कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें और मम्मी को सनी से मिलवाने नहीं लेके जा सकता। संजना ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी और हम लोग ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। करण ने कहा, ठीक है, और उसको प्यार से किस करके वहां से चला गया। एक शांत जगह पर बैठकर संजना ने अर्पिता को फोन मिलाया। अर्पिता, संजना ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, पास्ट में चार लोगों ने मेरी बहन को बुली किया था, है ना? समीरा और रोशनी, लेकिन बाकी दो लोगों के नाम शालिनी ने नहीं बताए थे और हम भी नहीं जानते थे कि वो लोग कौन है। अर्पिता ने कंफ्यूज होकर कहा, तुम अचानक से इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? संजना को जैसे जैसे पुरानी बातें याद आ रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसने कहा, भले ही दीदी ने उनका नाम नहीं बताया हो, लेकिन वो जब भी कोई बुरा सपना देखती थी तो अक्सर एक नाम लिया करती थी। वैदेही, अर्पिता ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? संजना ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन नहीं है। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी बहन के साथ स्कूल में क्या हो रहा था। हम दोनों साथ सोते थे और मैं इतनी नींद में होती थी कि साफ सुनाई नहीं देता था। जब वो बुरे सपने देखकर डर जाती थी, तो भी मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि उनके दिल में शायद किसी बात का डर बैठ गया है। वो तो जब हमें पता चला कि उसे स्कूल में कितना टॉर्चर किया जा रहा था, तब मैंने उसे सपने में समीरा और रोशनी का नाम पुकारते हुए सुना। लेकिन मैं वैदेही के नाम पे यकीन से नहीं कह सकती हूँ। अगर कोई और वैदेही हुई तो? उस दिन करण ने उसे बताया था कि जानकी शादी के बाद से हमेशा विदेश में रही है और इंडिया वापस कभी नहीं आई, इसीलिए ये वैदेही नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो पढ़ाई के लिए इंडिया आई हो। अब जब उसकी बहन किडनैप हो चुकी है और वैदेही वापस इंडिया आ गई है, तो क्या उसकी बहन की किडनैपिंग में उसका हाथ हो सकता है? संजना को लग रहा था कि वो फालतू में उस पर शक कर रही है। जब से उसकी बहन किडनैप हुई थी, उसको सभी पर शक होने लगा था। ग्रोवर मेंशन आने के बाद संजना नीना ग्रोवर के साथ सनी से मिलने चली गई। जैसे ही उनकी कार मेंशन से बाहर निकली, गार्डन में बैठे दो लोग आपस में बहस करने लगे। वैदेही ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, आप यहाँ रहने के पीछे क्यों पड़ी हो? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि जनरल ग्रोवर के दिल में आपके लिए आज भी फीलिंग्स है? आप ये तो नहीं सोच रही हो ना कि इतने सालों के बाद आपको देखकर वो अपनी बीवी को तलाक देंगे और आपसे शादी कर लेंगे? जानकी अपनी बेटी की बातें सुनकर हैरान थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप बैठकर यही सोच रही थी कि पास्ट में अगर वो लालच में नहीं आई होती, तो वो जनरल ग्रोवर से शादी कर चुकी होती। आज ग्रोवर्स के पास जो भी कुछ है और मिसेस ग्रोवर का ओहदा, सब उसका होता। पास्ट में जनरल ग्रोवर उनसे बहुत प्यार करते थे और आज भी उन्हें उन लोगों की चिंता है। उस आदमी को नीना ग्रोवर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। उनकी शादी एक समझौते से ज्यादा और कुछ नहीं है। जो प्यार उसने कई साल पहले खो दिया था, आज वही प्यार दोबारा हासिल करने के लिए आई है। अगर वो जनरल ग्रोवर का दिल जीत ले, तो वो जरूर नीना ग्रोवर को छोड़कर उसे शादी कर लेंगे। वो उनका पहला प्यार थी, नीना ग्रोवर नहीं। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कान आ गई। अपनी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर
वैदेही समझ गई थी कि उसका अंदाजा गलत नहीं था। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या आपने कोई प्लान सोचा है? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि जनरल ग्रोवर को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ रहते हुए मैं उनकी पसंद और नापसंद जान गई हूँ। मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ कि वो किससे प्यार करते हैं। अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो गुस्से से अपने दांत भींच कर बोली, इतने सालों से तुम मेरे पिता के मरने का इंतजार कर रही थी, है ना? उनके मरने की खबर सुनकर आप बहुत खुश थी, है ना? जानकी शॉक थी। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोली, तुम ये सब क्या बोल रही हो? वैदेही बेरुखी से हंसते हुए बोली, क्या आप नहीं जानती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? आपने मुझे पास्ट में पढ़ाई के लिए इंडिया वापस भेजा और आप इस आदमी पर नजर रखती रही। आपने क्या सोचा मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रही थी? उस वक्त भी आप यही चाहती थी कि डैडी जल्दी मर जाए ताकि आप जनरल ग्रोवर से शादी कर सको। मैं सच कह रही हूँ, है ना? तुम क्या बकवास किए जा रही हो? जानकी को गुस्से में देखकर भी वैदेही चुप नहीं हुई और उसे टोंट मारते हुए बोली, इतनी भोली मत बनो। आपके मन में इतना कपट है और ऊपर से दूसरों को ऐसे दिखाती हो जैसे आप सबसे सीधी औरत हो, जबकि सच्चाई तो यह है कि आप एक निहायती कमीनी और चालबाज औरत हो जिसकी रग रग में धोखा भरा हुआ है। आप किसी भी हाल में नीना ग्रोवर का मुकाबला नहीं कर सकती। जानकी ने गुस्से में वैदेही को थप्पड़ मार दिया। वो गुस्से में बुरी तरह से कांप रही थी। उसने चीख कर कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है या नहीं? बिल्कुल है, वरना मैंने कब का आपको जान से मार दिया होता। आप दूसरों के सामने अपना असली चेहरा छिपा सकती हो पर मेरे सामने नहीं। आप कसम खाकर कहो कि आप जनरल ग्रोवर से शादी करने का प्लान नहीं कर रही हो। यू? जानकी ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, वैदेही ने उसकी बात काटते हुए कहा, नाटक मत करो, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। नौकर और गार्ड्स यहाँ से बहुत दूर है और हमारी बातें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। एक कमांडर इन चीफ मिलिट्री जनरल की बीवी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। आप खुद को एक बार देखती क्यों नहीं हो? आप एक विधवा हो और आपकी एक जवान बेटी है। आप एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं हो। सपने देखना बंद करो। आपको नीना ग्रोवर से बराबरी क्यों करनी है? उसका फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस बहुत बड़ा है। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है। आप उनके सामने 50 साल की आंटी लगती हो और नीना ग्रोवर को देखकर लगता है कि उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। आपने सोच कैसे लिया कि आप उनको जनरल ग्रोवर की जिंदगी से निकाल कर उनसे शादी कर लोगी? आप आईने में पहले अपनी शक्ल तो देख लो, फिर ऐसे सपने देखना। वैदेही की ये बात बहुत कड़वी थी, जैसे वो बार बार जानकी के मुंह पर तमाचा मार रही हो। चुप हो जाओ, जानकी पागलों की तरह चिल्लाई। तुम जानती क्या हो? ये मत समझना कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अपनी समझ अपने पास रखो और मेरी बजाय उन सब के बारे में। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? वैदेही ने फिर से बात काट दी। ओ, आप सही कह रही हो, मुझे उसका बेटा पसंद आ गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप उसके बाप से शादी करने के सपने देखो। जानकी गुस्से में अपने दांत पीछती हुई बोली, तुम्हें उसका कौन सा बेटा पसंद आ गया है? तुम अभी तक सिर्फ एक ही बेटे से मिली हो, करण, और उसकी शादी हो चुकी है। वैदेही, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। वैदेही उसका मजाक उड़ाती हुई बोली, क्या जनरल ग्रोवर शादीशुदा नहीं है? क्या उनके तो 4 जवान बेटे भी हैं? तो फिर आप उनसे शादी कैसे कर सकती हो? उनकी बीवी अभी भी जिंदा है, और अगर आप मेरे भले के लिए शादी करना चाहती हो तो क्यों ना मैं आपकी जगह उनके बेटे से शादी कर लूं? या अगर आपकी नजर में ग्रोवर से बेहतर स्टेटस वाला कोई और फैमिली है तो बताओ मुझे। अचानक उसे कोई बात याद आ गई और उसने आगे कहा, ओ सही कहा, क्या आपने कल मुझे बताया नहीं था कि करण अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है? आपने ये भी कहा था कि उसकी बीवी बेशर्मों की तरह उससे चिपकी हुई है और उसे तलाक देने को तैयार नहीं हुई। और आज मैंने भी नाश्ते के दौरान देखा था, करण ने अपनी बीवी से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। इसका मतलब साफ है, वो अपनी बीवी को ज्यादा पसंद नहीं करता है और उनका जल्दी तलाक हो जाएगा। जानकी ने अपने दांत पीसते हुए अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम ग्रोवर्स के अलावा किसी से भी शादी कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें करण में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस तुम ग्रोवर से अपना बदला लेना चाहती हो। क्या तुम उसकी मंगेतर के पीछे नहीं पड़ी हुई थी और अपने बदले के लिए उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी? वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें वापस ले आई। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे पिता के साथ मेरे जैसा भी रिश्ता हो, उसका ग्रोवर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, और मैंने तुम्हारे पिता को कोई धोखा नहीं दिया था। क्योंकि वो उससे तलाक लेना चाहती थी, इसीलिए उसके पति को लगा कि शायद वो आज तक अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाई है, और इसी डिप्रेशन की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। अपने पिता को खोने की वजह से वैदेही को यकीन हो गया था कि उसकी माँ का जनरल ग्रोवर के साथ नाजायज रिश्ता है, और उसके दिल में उनके लिए नफरत और बदले की आग जलने लगी। ये बात बिल्कुल झूठ थी। वैदेही ने जानकी की तरफ गुस्से से देखा और बोली, झूठ बोलना बंद करो, मुझे आपसे घिन आती है। अगर आपका ग्रोवर के साथ नाजायज रिश्ता नहीं होता तो मेरे डैडी आज जिंदा होते।
यहाँ तक कि उन्होंने मरने से पहले भी आपके लिए फोन कॉल किया। वो आपसे इतना प्यार करते थे, फिर भी आपने उन्हें धोखा दिया। आप जानती हो कि मैं ग्रोवर से कितनी नफरत करती हूँ, फिर भी आप मुझे लेकर यहाँ चली आई। इसे तो साफ पता चलता है कि आप चाहती हो कि मैं इस फैमिली के लिए मुश्किलें खड़ी करूं और आप उसका फायदा उठाकर जनरल ग्रोवर से शादी कर सको। जानकी गुस्से से चीखी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वैद्य इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बोली, मेरी माँ 10 साल पहले मर चुकी थी। संजना ने पहले ही कुछ दिनों तक ग्रोवर मेंशन में रुकने का फैसला किया था। वो जानकी के यहाँ से जाने तक नीना ग्रोवर के साथ रहना चाहती थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी सास बहुत सीधी थी और उनको लड़ना भी नहीं आता था। उन्हें लगा कि अगर वो उन्हें अकेला छोड़ देगी तो वो जानकी उसको चैन से जीने नहीं देगी। जब वो अपने बेडरूम में वापस आई तो उसने बेड पर एक गिफ्ट बॉक्स देखा। उसे कौन गिफ्ट दे सकता है, उसकी सास या ससुर? उसे लगा कि ये गिफ्ट जरूर नीना ग्रोवर लाई होगी, लेकिन जब उसने वो गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसने देखा कि उसमें वही ड्रेस थी जो वो लाइफस्टाइल से डिस्काउंट पर खरीदना चाहती थी। उसकी सास को कैसे पता चल गया कि उसे ये ड्रेस पसंद थी? क्या उसने कभी उनको इसके बारे में बताया था? लेकिन जो भी हो, उसे अपनी सास को इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। संजना ने ड्रेस को बेड पर रखा और फिर फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए उसकी एक फोटो खींच ली। खड़ूस अमीरजादे की तुनक मिजाज पत्नी, गिफ्ट के लिए थैंक यू, मुझे अच्छा लगा। फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद उसने फेसबुक की पोस्ट देखना शुरू किया। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि गूगल की हॉट सर्च में सबसे ऊपर करण का नाम था। न्यूज, अनजान सूत्रों ने बताया कि बिजनेस टाइकून करण ग्रोवर एक ब्रांड स्टोर पर शॉपिंग करते देखे गए। शायद वो अपनी मंगेतर के लिए गिफ्ट खरीद रहे थे। ये सब क्या बकवास है, अनजान सूत्र? अब तो वो बिजनेस की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था तो अनजान सूत्र भी उस पर नजर रखने लगा। बढ़िया है, लगता है इस साल करण ने बहुत नाम और पैसे कमाए होंगे, इसीलिए युग और बाकी सब लोग कहते हैं कि उन लोगों में सबसे ज्यादा पैसे करण कमाता है। लेकिन वो उसकी बीवी है, उसे कोई ड्रेस खरीदने के लिए किसी डिस्काउंट का इंतजार करने की क्या जरूरत है? नहीं, ये बात गलत है। उसे बीवी होने के नाते करण के पैसे खर्च करने का पूरा हक है। संजना ने उस पोस्ट की फोटो देखी जिसमें करण कैशियर के पास खड़ा होकर एक गिफ्ट पैक करवा रहा था। फोटो साइड से खींची गई थी। फोटो काफी दूर से लग रही थी, इसीलिए हर कोई यकीन से नहीं कह सकता था कि वो कौन है। लेकिन जो करण को करीब से जानते थे वो लोग आसानी से उसे पहचान सकते थे। संजना की आंखें शौक से फटी की फटी रह गई। उसने एक बार फेसबुक की फोटो को देखा और दूसरी बार अपनी ड्रेस को। ब्रांडेड शॉप, क्या ये वही ब्रांड नहीं है जिस ब्रांड की ये ड्रेस है? गिफ्ट बॉक्स, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस फोटो में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये गिफ्ट उसे नीना ने नहीं बल्कि करण ने दिया था। उसे कैसे पता चल गया कि वो ये ड्रेस खरीदना चाहती थी? ओ, कल रात। क्या उसने उसे ब्रांड की वेबसाइट पर ड्रेस देखते हुए देख लिया था? उसके चेहरे से तो पता लग गया होगा कि वो उस ड्रेस पर डिस्काउंट शुरू होने की कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहीं इसीलिए तो वो खुद जाकर ड्रेस खरीद के तो नहीं लाया? खड़ूस कहीं का। क्या उसने नहीं कहा था कि वो कहीं से भी एक आदर्श बीवी नहीं लगती, तो फिर उसके लिए ड्रेस क्यों खरीदी? लेकिन संजना बहुत खुश थी और वो अपने कमरे में खुशी से नाचने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि उसने अपनी ड्रेस वाली फोटो अपने सब अकाउंट पर डाली थी, वरना अगर वो इस अकाउंट पर अगर ये फोटो डाल देती तो सोशल मीडिया पर सबको पता चल जाता कि ये ड्रेस करण ने उसके लिए खरीदी है और उन दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। संजना फिर आगे और पोस्ट चेक करती रही जिसमें कुछ लड़कियां जो करण की फैन थी वो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही थी और कुछ अपने प्यार का इजहार कर रही थी। कुछ लोग उसकी पूरी फोटो की डिमांड कर रहे थे, कुछ उसके बारे में जानना चाहते थे और कुछ जलन की वजह से उसकी बुराई कर रहे थे। संजना को ये सारी बातें बेकार लगी। जो लोग उसको ठीक से जानते नहीं थे वो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रहे थे। वो और आगे की न्यूज फीड देखती रही। अचानक उसे लगा कि करण की शॉपिंग वाली पोस्ट और उससे जुड़े सारे कमेंट्स इंटरनेट से डिलीट हो गए, लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही थी। जैसे कि संजना ने अपना फेसबुक बंद कर दिया और गूगल देख रही थी कि अचानक से एक नई पोस्ट का लिंक आ गया। मोस्ट वांटेड बैचलर, करण शादीशुदा है। एंटरटेनमेंट न्यूज, ग्रोवर परिवार के सबसे छोटे बेटे रहस्यमय करण ग्रोवर के कुछ दिन पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी उनकी मंगेतर से नहीं बल्कि किसी और लड़की से हुई है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वो लड़की बहुत शातिर है और उसने करण को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से उन्हें शादी करनी पड़ी। लेकिन वो आज भी अपनी बीवी से नहीं बल्कि अपनी मंगेतर रोशनी से प्यार करते हैं। ग्रोवर परिवार का कोई भी सदस्य उनकी बीवी को पसंद नहीं करता है और उनकी शादी पूरे रीति रिवाज से नहीं होगी। हमने ये भी सुना है कि शादी के दूसरे ही दिन वो अपनी बीवी को तलाक देने की बात कर रहे थे। ये पोस्ट आते ही कुछ देर में पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया था। शातिर औरत करण को फंसाएगी, उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। मैंने सुना है कि वो दिखने में बहुत बदसूरत है, मुझे सच में करण पर बहुत दया आ रही है। इतना हैंडसम लड़का
किस लड़की के चक्कर में फंस गया। खूबसूरत नहीं है, इसीलिए तो उसे करण को फंसाने के लिए घटिया चाल चलनी पड़ी थी। इसीलिए उसमें हिम्मत तो है, तभी तो रूवर्स के यहाँ पे शादी करने में कामयाब हो गई। करण उसके साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, जल्दी से उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो। हे भगवान, ये सब क्या था। संजना सारे कमेंट्स को पढ़कर गुस्से में पागल हो रही थी। उसे शातिर चालबाज औरत कहने के लिए उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। वो लोग शातिर है, उन लोगों के घरों में ऐसा होता होगा, तभी उनकी सोच इतनी घटिया है। और उन्होंने ये कैसे कहा कि वो बहुत बदसूरत है। वो किस एंगल से बदसूरत दिखती है। वो भले ही बहुत ज्यादा सुंदर ना हो, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं दिखती। उन्होंने उसे आज तक देखा भी नहीं, ना ही वो लोग जानते हैं कि करण ने किससे शादी की है। तो फिर वो इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो दिखने में बदसूरत है। अगर हमारा तलाक भी हो गया तो भी तुम लोगों में से किसी से शादी नहीं करेगा वो, समझे। और ये कौन है जो दावा कर रहा है कि उसने घटिया चाल चलकर करण को अपने झूठे प्यार में फंसाया है। वो प्रेग्नेंट नहीं है, समझे। इसके अलावा करण उसे शादी करना चाहता था। ये लोग बिना किसी बात का, बिना सच जाने कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कमेंट्स कर रहे हैं। क्या ये सही है। कुछ देर तक फेसबुक पोस्ट चेक करने के बाद उसे लगा जैसे उसका इस सोशल मीडिया से विश्वास ही उठ गया था। वो मन ही मन उन लोगों को कोस रही थी जो उसकी बुराई कर रहे थे। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने अपना सब अकाउंट खोलकर उस पोस्ट पर एक कमेंट डाल दिया, आप सब लोग गलत हो, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, उसने प्रेग्नेंट होने के लिए कोई चाल नहीं चली। ये तो करण ग्रोवर ही थे जिन्होंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और वो प्रेग्नेंट हो गए। बाद में उन्होंने उससे शादी कर ली। उसने ऐसे ही कुछ और भी कमेंट डाले थे और लोगों ने उसके कमेंट्स का जवाब भी दिया था। तुम ये बात कैसे जानती हो, क्या तुम उसकी दोस्त हो। वाह, हमें उनके बारे में और कुछ बताओ। ये नामुमकिन है, मैं आप लोगों को और कुछ नहीं बताने वाली, संजना धीरे से बुदबुदाई और उसने अपना फेसबुक बंद कर दिया। करण की ये वाली पोस्ट भी पहले वाली की तरह जल्दी डिलीट हो गई। अच्छा है, बात हद से आगे नहीं बढ़ी। वो समझ गई थी कि जब वो अगले दिन अपना फेसबुक अकाउंट चेक करेगी तो लोग इस बारे में भूल चुके होंगे और उनके पास गॉसिप करने के लिए कोई नई खबर होगी। संजना ड्रेस पहनकर खुद को आईने में देखकर खुश हो रही थी। वो काफी देर तक आईने के सामने खड़ी रही और फिर उसने अपने फोन से कुछ सेल्फी खींची, लेकिन जब उसे संतुष्टि नहीं मिली तो वो और फोटोज खींचने लगी। एक लड़की अगर खुद की सेल्फी लेने लगे तो फिर सब कुछ भूल जाती है और उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहता। इसीलिए जब करण वापस आया, संजना तब भी सेल्फी ले रही थी। जैसे ही उसने करण को आईने में देखा तो सब कुछ भूलकर उसके पास दौड़ आई। उसे देखकर संजना की आंखें खुशी से चमक उठी थी। संजना उसे अपनी ड्रेस दिखाती हुई बोली, मैं कैसी लग रही हूँ। उसके चेहरे पर उम्मीद नजर आ रही थी, जैसे वो करण से अपनी तारीफ सुनने का इंतजार कर रही हो। लेकिन करण को ये बात समझ नहीं आई और उसने पूछा, क्या हम लोग कहीं जा रहे हैं, फिर तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है। संजना ने मन में सोचा, स्टूपिड कहीं के, इसे लड़कियों की तारीफ करना भी नहीं आता। संजना धीरे से बड़बड़ाई और अपनी ड्रेस बदलने के लिए जाने लगी, लेकिन जाने से पहले उसे घूरते हुए बोली, मैंने वैसे ये ड्रेस तुम्हारी तारीफ सुनने के लिए नहीं पहनी थी। करण ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो धीरे से उसके कान में बोला, वैसे तुम बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगती हो। ये सुनकर संजना के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। करण ने धीरे से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर किस कर लिया। करण ने उसे इतने पैशन से किस किया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। करण ने जैसे ही उसे किस करते हुए बेड पर लेटाया, संजना को अपनी नई ड्रेस के खराब होने की चिंता होने लगी और उसने करण से कहा, तुम क्या कर रहे हो, हटो, मुझे उठने दो। करण बेड पर लेटकर उसे ऐसे देख रहा था जैसे भूखे शेर को अपना शिकार मिल गया हो। वो धीरे से उसके कानों में बोला, तो मैंने तुम्हें प्यार के जाल में फंसाकर तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया और इसीलिए तुमसे शादी की। संजना उसे हैरानी से देख रही थी। वो सोच रही थी ये शब्द कितने जाने पहचाने से लग रहे हैं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। करण उसे किस करता रहा और वो भी धीरे धीरे उसके पैशन में डूबती रही। संजना ने गहरी सांस भरकर कहा, मेरी ड्रेस। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी नई ड्रेस खराब हो जाए, इसीलिए वो कपड़े बदलना चाहती थी, लेकिन करण उसे छोड़ने के मूड में था ही नहीं और उसे किस करता रहा। जैसे ही वो अपने पैशन में डूबने वाला था, अचानक से किसी ने दरवाजा खोला। मिष्टी, ओ। नीना ग्रोवर पहले आश्चर्य में थी, बाद में शर्म से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, तुम लोग जारी रखो, और तुरंत दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। हे भगवान, कहीं उन्होंने अपने बच्चों को डरा तो नहीं दिया, वो लोग भी क्या सोच रहे होंगे। संजना ने घबराकर करण को धक्का दिया और बोली, जल्दी करो और खड़े हो जाओ, मम्मी को देखकर लग रहा था कि वो किसी बात से बहुत परेशान है। करण का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि उसके पैशनेट पल को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था। उसने चिढ़कर कहा, अब उन्हें क्या परेशानी हो सकती है। संजना ने कहा, जरूर जानकी ने कुछ किया होगा। करण बोला, उनको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जनरल ग्रोवर को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत भावुक इंसान है, इसीलिए तो अपने दोस्त को दिए गए वादे की खातिर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके दिल में जानकी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। संजना को भी यही बात महसूस हुई थी, उसके ससुर सबके सामने भले ही शेर बनते हों,
लेकिन उसकी सास के सामने वो भीगी बिल्ली है। उसने हामी भरते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर डैडी के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जानकी के दिल में भी ऐसी कोई फीलिंग्स ना हो। आज जब मैं मम्मी के साथ सनी से मिलने जा रही थी तो मम्मी ने मुझे बहुत कुछ बताया जो तुम्हारे पैदा होने से पहले की बात थी। उस वक्त जानकी की शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खास तौर पर डैडी से मिलने इंडिया वापस आई थी और उनसे लिपट कर रोते हुए कह रही थी कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है। इत्तेफाक से मम्मी ने ये सीन देख लिया था। वो डैडी से बहुत प्यार करती है और उन पर उन्हें पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने इस बारे में उनसे कुछ नहीं पूछा और ऐसे जताया जैसे उन्हें बिल्कुल बुरा ना लगा हो। लेकिन आज तक वो इस बात को भूल नहीं पाई है। करण ने उसे कंफ्यूज होकर देखा, फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। संजना ने उसके बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर पूछा, क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये उन्होंने जानबूझकर किया था मम्मी और डैडी का रिश्ता तोड़ने के लिए? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि मम्मी उसी वक्त वहां पहुंची और उन्होंने उन्हें देख लिया? इतना ही नहीं, वो उन दोनों की बातें भी नहीं सुन पाई थी, बस उन दोनों को हक करते हुए देखा था। हो सकता है ये सब कुछ जानकी की कोई चाल हो, मगर मम्मी उस दिन इस बात को लेकर डैडी से लड़ाई कर लेती तो आज उनका रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता। क्या पता एक शक की वजह से उनका तलाक हो जाता। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और कहा, फिर तुम कैसे पैदा होते? जब संजना ने नीना ग्रोवर से इन सब पुरानी बातों के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वो समझ सकती थी कि नीना ग्रोवर को कैसा महसूस हुआ होगा। उस बात को सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया था कि जानकी एक बहुत ही चालाक औरत थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त उन्होंने इस बात को लेकर कोई लड़ाई नहीं की, वरना क्या पता कहीं अगर उन्होंने गुस्से में आकर उस वक्त भी घर छोड़ दिया होता तो जानकी अपने मकसद में कामयाब हो जाती। थोड़ी देर तक करण से बात करने के बाद संजना नीना ग्रोवर से मिलने गई। करण को भी अब इस बात का यकीन हो चला था कि संजना भले ही थोड़ी बुद्धू हो लेकिन उसमें बहुत दिमाग है और उसे आसानी से कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, जैसे उसकी भोली माँ बन जाती है। करण जब भी अपनी माँ को भोली बताता है तो संजना को लगता है कि वो दूसरे शब्दों में उसे बेवकूफ समझता है, लेकिन उसमें अपनी माँ को सीधे उनसे मुंह पर बेवकूफ कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो उसकी माँ थी और वो अपनी माँ का अपमान नहीं कर सकता था। लेकिन संजना को लगता था कि नीना ग्रोवर बेवकूफ नहीं है, वो एक ऐसी औरत है जो बहुत सादगी की जिंदगी जीना पसंद करती है और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। आखिर उनके पास बेटों और पति के रूप में 5 मर्द हैं जो उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे और उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखेंगे, इसलिए उन्हें किसी भी बात की चिंता करने की क्या जरूरत है। जिस वजह से नीना ग्रोवर संजना को ढूंढते हुए हड़बड़ी में बिना दरवाजा खटखटाए उनके कमरे में घुस आई थी तो वजह यह थी कि जानकी जनरल ग्रोवर को कुछ जरूरी बातें करने के लिए कहीं बाहर लेकर गई थी। उसने कहा था कि वो ये बात घर पर नहीं कर सकती थी, इसलिए बाहर जाना ज्यादा जरूरी था। नीना ग्रोवर को ये बात कुछ अजीब लगी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो संजना से बात करने के लिए आई थी। जैसे ही संजना ने ये सुना वो भी नीना ग्रोवर को साथ लेकर बाहर निकल गई। उसने पूछा, वो लोग किस तरफ गए थे? नीना ग्रोवर ने इशारा करते हुए कहा, उस तरफ, लेकिन क्या हमारा उन लोगों के पीछे जाना ठीक रहेगा? नीना ग्रोवर थोड़ी चिंतित थी। अगर उनके पति को ये पता चल गया कि वो उनका पीछा कर रही थी तो उनको लगेगा जैसे वो उन पर विश्वास नहीं करती और वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आज चांदनी रात थी और ठंडी हवा भी चल रही थी, ऐसे में बाहर घूमने जाना बहुत सही फैसला था। संजना और नीना आगे बढ़ते जा रहे थे लेकिन उन्हें जनरल ग्रोवर और जानकी कहीं नजर ही नहीं आए। दूसरी तरफ उनकी मुलाकात प्रतीक से हो गई। संजना को आज उसका एक नया रूप देखने को मिला था, जो हमेशा चुपचाप रहता था और बेरुखे व्यवहार का सा था, वो आज मुस्कुरा रहा था और बहुत खुश दिख रहा था। वो मुस्कुराते हुए उस लड़की की बातें सुन रहा था जो उसके पास खड़ी थी। दिखने में उस लड़की की उम्र काफी कम थी, प्रतीक को देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। उन दोनों को देखकर नीना ग्रोवर धीरे से बोली, प्रतीक फिर से यहाँ साची से मिलने आ गया। उन दोनों को भी एहसास हो गया था कि कोई उन्हें देख रहा है, इसीलिए जैसे उन्होंने पलट कर देखा उनकी नजर नीना ग्रोवर पर पड़ी। प्रतीक बोला, मम्मी? सांची ने कहा, दादी? नीना ग्रोवर ने उनके पास आकर उनका परिचय संजना से करवाया। तुम तो प्रतीक को जानती हो ना, ये सांची है, प्रतीक की कजन की बेटी। जब प्रतीक कुछ दिनों तक हमारे साथ रह रहा था तो सांची का परिवार हमारा पड़ोसी था और इसीलिए इन दोनों की दोस्ती हो गई। ये जितना सांची से मिलने आता है उतना तो कभी अपनी माँ से भी मिलने नहीं आता। सांची उन दोनों को देखकर खुश नहीं दिख रही थी और नीना ग्रोवर का ताना सुनकर उसके चेहरे पर जलन दिखने लगी। उसने तुरंत आगे बढ़कर नीना ग्रोवर को गले से लगा लिया और बच्चों की तरह बोली, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ दादी। नीना ग्रोवर ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे संजना से मिलवाया। वो संजना से बहुत प्यार से मिली। वो दिखने में बहुत सुंदर थी लेकिन उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है और कोई बात छिपा रही है। सांची मुस्कुराते हुए बोली, दादी हम लोग बस यही बात कर रहे थे कि जनरल ग्रोवर ने अंकल का नाम प्रतीक क्यों रखा। सांची की उम्र लगभग 13-14 साल से ज्यादा नहीं लगती थी लेकिन बाद में संजना को पता चला कि वो 16 साल की है। प्रतीक ने उसकी तरफ प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं है क्या? सांची नीना ग्रोवर का हाथ पकड़कर बच्चों की तरफ बोली, दादी
मुझे लगता है मैं प्रतीक अंकल के लिए ही पैदा हुई हूँ। आप बस मुझे 10 साल दे दो, फिर मैं प्रतीक अंकल से शादी कर लूंगी। प्रतीक ने उसे डांटते हुए कहा। सांची सिंह? सांची ये सुनकर नाराज होकर बोली, आपने फिर से मेरा पूरा नाम लिया? आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे सिर्फ प्यार से सांची बुलाओगे। प्रतीक ने उसे छेड़ते हुए कहा, इतनी छोटी होकर अभी से शादी की बातें करने लगी? कहीं तुम्हें अपनी क्लास में कोई लड़का तो पसंद नहीं आ गया? सांची ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बस आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। नीना ग्रोवर ने उसकी बातों को मजाक में लिया, आखिर वो एक बच्ची ही तो है। और उसने कहा, 10 साल बाद तुम्हारे अंकल काफी बूढ़े हो जाएंगे, और वैसे भी उनकी पहले से एक बीवी है। भले ही सांची बच्ची थी और इस उम्र में किसी के लिए आकर्षण पैदा होना एक आम सी बात थी, लेकिन संजना को साफ दिख रहा था कि सांची के दिल में प्रतीक के लिए कुछ फीलिंग्स है, जबकि प्रतीक की नजर में वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। आज स्कूल में सांची का किसी ने मजाक उड़ाया था और उसने प्रतीक को कॉल करके बुलाया था। प्रतीक ने स्कूल जाकर वो मामला सुलझाया और फिर उसे लंच पर लेकर गया, और अभी उसे घर छोड़ने आया था। नीना ग्रोवर ने प्रतीक से पूछा कि क्या वो अपने पिता से मिलने घर आएगा, तो उसने साफ मना कर दिया। फिर नीना ग्रोवर ने संजना से शिकायत करते हुए कहा, इसीलिए बेटों से ज्यादा अच्छी बेटियां होती है, और मुझे इस बात की जिंदगी भर अफसोस रहेगी कि देखो मेरी कोई बेटी नहीं हुई। संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नीना ग्रोवर का दिल ये सुनकर खुशी से झूम उठा और वो बोली, करण मेरा सबसे अच्छा बेटा है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे बहू के रूप में मिली हो। दोनों बातें करते हुए वहां घूमते रहे, लेकिन उन्हें फिर भी जनरल ग्रोवर और जानकी नहीं दिखाई दिए। संजना ने कहा, कहीं वो लोग दूसरी तरफ से तो नहीं चले गए? नीना ग्रोवर बोली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलो छोड़ो, हम घर वापस चलते हैं। ये सोचकर दोनों घर की तरफ मुड़ गए। जैसे ही वो लोग घर के पास पहुंचे तो उन्होंने जनरल ग्रोवर और जानकी को देखा, जो घर से थोड़ी दूर खड़े हुए थे। जनरल ग्रोवर बिल्कुल चुपचाप खड़े थे और जानकी को देखकर लग रहा था कि जैसे वो उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। संजना और नीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुपके से झाड़ियों के पीछे छिप गए। वो थोड़ी दूर थे इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी संजना को नीना ग्रोवर की बताई हुई बातें याद आ गई और उसने पूछा, मम्मी क्या आपको ये सीन बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे पास्ट में आपने देखा था? नीना ग्रोवर ने हैरानी से कहा, हाँ पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो कुछ दूरी पर खड़ी थी और उन्होंने उन दोनों को गले लगते देखा था, जैसे दोनों के बीच आज भी बहुत प्यार है। संजना सोचते हुए बोली, मुझे लगता है कि जानकी जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है। पास्ट में भी और आज भी, आप आज भी वो बातें नहीं भूल पाई हो, इसीलिए इस बार वो आपको जरूर विश्वास दिलाएगी कि डैडी आपको धोखा दे रहे हैं। और ये धोखा नहीं तो और क्या है, नीना ग्रोवर गुस्से से बोली। संजना उनकी बात सुनकर हंसने लगी, फिर बोली, आप वहां देखो, अभी डैडी बस वहां खड़े होकर उससे बातें कर रहे हैं और आप जलन की वजह से सोच रही हो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। मगर ऐसे में जानकी ने उन्हें हक कर लिया तो आप तो शायद गुस्से में आकर उनसे तलाक ही मांग लोगी, है ना? भले ही नीना ग्रोवर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि संजना का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगर उन्होंने भी उसे हक कर लिया तो फिर मैं तलाक क्यों नहीं मांगू? और अगर सिर्फ जानकी ने उन्हें हक किया तो आप क्या करोगी? संजना ने पलट कर सवाल किया। और अगर आप इस बात के लिए डैडी से लड़ाई करोगी और उनसे तलाक मांगोगी तो जानकी अपनी चाल में सफल हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, उनको देखकर साफ दिख रहा है कि वो जानकी से दूरी बनाए हुए हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी आंखें जानकी के शरीर को निहार रही है? नीना ग्रोवर ने चिढ़कर कहा। संजना उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, आप चिंता मत करो, डैडी ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, जानकी को आपको ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रखना चाहिए, आपको उसे घर से निकालने का कोई तरीका सोचना होगा। संजना समझ गई थी कि जानकी उसके ससुर को फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसने मन में सोचा, प्लीज जनरल ग्रोवर तुम्हारे पति नहीं है, इसीलिए उनको रिझाने की कोशिश मत करो। जानकी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसके बॉयफ्रेंड हो, उसकी उम्र क्यों नहीं देखती? 50 साल की होकर 18 साल की लड़की की तरफ फ्लर्ट कर रही थी। संजना को जानकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अपने ससुर पर बहुत गर्व था। वो जानकी को बिल्कुल पराई औरत की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसे दूरी बनाए खड़े थे, जैसे उन पर उसके फ्लर्ट का कोई असर नहीं हो रहा हो। जब संजना ने उन दोनों के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचा तो उसे अपने ससुर के बुरे टेस्ट पर बहुत दया आई। शुक्र है करण उनके ऊपर नहीं गया। नीना ग्रोवर ने पूछा, मिष्टी तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या बात कर रहे होंगे? पता नहीं, क्या हम लोग थोड़ा और आगे जाएं? संजना ने पूछा, लेकिन नीना ग्रोवर ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगले ही पल वही आगे दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्होंने जानकी को जनरल ग्रोवर का हाथ पकड़ते हुए देख लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि जनरल ग्रोवर ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। नीना ग्रोवर गुस्से से बोली, बेशर्म मेरा पति छीनने की कोशिश कर रही है। संजना ने तुरंत उन्हें शांत किया और कहा, आप अभी शांत रहो, देखो डैडी ने कितनी जल्दी अपना हाथ खींच लिया। जब उन्होंने देखा कि जनरल ग्रोवर और जानकी वापस घर के अंदर जा रहे हैं तो वो लोग भी घर जाने लगे। दोनों बातें करते हुए घर में घुसे जैसे वो लोग लॉन्ग वॉक से आ रहे हो। उस शॉप की पेस्ट्री कितनी टेस्टी थी ना, मैं तुम्हें कल वहां कॉफी पिलाने लेकर चलूंगी। संजना बोली,
सच में? वाओ, मजा आ जाएगा, मुझे कपकेक्स भी खाने हैं। उस वक्त जनरल ग्रोवर और जानकी दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। दोनों को बाहर से वापस आता देख उन्होंने पूछा, तुम लोग वापस आ गए? गुड इवनिंग डैडी। मैं मम्मी के साथ वॉक करते हुए पास की बेकरी पर चली गई थी, संजना ने मुस्कुरा कर कहा और फिर ऐसे एक्टिंग की जैसे वो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। लेकिन जनरल ग्रोवर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मुझे कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी जानकी आंटी ने बताया कि उनका नया घर तैयार हो गया है और वो लोग 2 दिन में वहां शिफ्ट हो जाएंगे। जब भी तुम फ्री हो अपनी मम्मी के साथ इनकी तैयारी में थोड़ी मदद कर देना। संजना ने तुरंत हाँ कर दी। जरूर डैडी। लेकिन वो खुद शौक में थी कि कहीं जनरल ग्रोवर ने उन्हें पीछा करते हुए देख तो नहीं लिया। नीना ग्रोवर ने भी नहीं सोचा था कि जानकी इतनी आसानी से वहां से चली जाएगी। कहीं वो और संजना उसके बारे में गलत तो नहीं सोच रहे थे? उन्होंने चुपके से संजना की तरफ देखा जैसे पूछना चाह रही हो कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन संजना खुद समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जो इंसान सबसे बड़े शौक में था वो खुद जानकी थी, क्योंकि उसने तो जाने के बारे में कोई बात नहीं की थी। लेकिन जनरल ग्रोवर ने ऐसा क्यों कहा? कहीं वो खुद उसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे? जनरल ग्रोवर ने उन्हें शांत भाव से देखते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इन दोनों से मांग लेना। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो जानकी की चाल को समझ नहीं पाते? जब से वो जनरल बने थे हजारों औरतें उन्हें रिझाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन नीना ग्रोवर का चेहरा याद आते ही वो सब कुछ भूल जाते थे। जवानी में उन्हें नीना ग्रोवर जैसी भोली भाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो ना कुछ बोल पाए ना किसी से लड़ पाए, बस हर छोटी छोटी बातों पर रोने लगे। लेकिन धीरे धीरे नीना ग्रोवर ने उनके दिल में अपनी जगह बना ली थी। हर आदमी की जिंदगी में 2 तरह की औरतें आती है, पहली जो उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके और दूसरी जो सुख दुख में साथ देकर उसकी सही मायनों में जीवन साथी बन सके। जानकी पहले नंबर वाली थी जो नीना ग्रोवर के उनकी जिंदगी में आने तक उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करती थी, लेकिन उनकी शादी होते ही उसकी अहमियत खत्म हो गई, इसीलिए उन्होंने उसे रिश्ता तोड़ लिया। ये जानकी हैरान थी, उसने नहीं सोचा था कि जनरल ग्रोवर उसे घर से जाने के लिए कह देंगे। वो वहां से जाने के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन जनरल ग्रोवर कोई मामूली आदमी नहीं थे और उन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने उन्हें बाहर ले जाकर अपने दिल की फीलिंग्स बताने की कोशिश की थी, कहीं उसने थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर दी? उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। अब वो क्या करे, उसे हर हाल में 2 दिन में यह घर छोड़ जाना पड़ेगा। उसने सोचा भी नहीं था कि जनरल ग्रोवर इतने बेरहम निकलेंगे। जानकी ने महसूस किया कि उसे जनरल ग्रोवर के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो नीना से तलाक नहीं लेते तो कोई बात नहीं, अगर उसे उनकी बीवी का दर्जा नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, वो फिर भी उनके साथ रहने को तैयार है। लेकिन फिर उसे वहां से क्यों निकालना चाहते थे? वो उनका पुराना रिश्ता इतनी आसानी से कैसे भूल गए? क्या उनके दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी? उसने नफरत से नीना ग्रोवर की तरफ देखा। वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत थी, इसके अलावा और उसमें है क्या? उसके जैसी बेवकूफ औरत जनरल ग्रोवर की पत्नी बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जानकी भले ही शादी करके विदेश चली गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पति की सैलरी इतनी नहीं थी कि वो उसके लिए महंगे कपड़े और जेवर खरीद सके। उसने हमेशा ही सोचा था कि आज भी जनरल ग्रोवर उसे पसंद करते होंगे, और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो भी उसे दुखी नहीं देख सकते। अगर उनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो उसने उनसे शादी कर ली होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जानकी के दिल में नफरत और जलन दोनों भरी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जानकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। इसके बावजूद उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। सभी पावरफुल आदमियों को आज्ञाकारी औरतें बहुत पसंद होती है, इसलिए उसने भी जनरल ग्रोवर के सामने खुद को वैसे ही दिखाने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग अभी शिफ्ट नहीं हो सकते। अचानक वैदे की आवाज लिविंग रूम में गूंजी। अपनी बेटी को देखते ही जानकी मुस्कुराने लगी और बोली, वैदे तुम आ गई? अब शायद उसे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए वो अपनी बेटी को साथ लाई थी, ये जानते हुए कि उसके दिल में ग्रोवर्स के लिए कितनी नफरत है। वैदे ने अभी तक जो कुछ भी किया हो, उनके यहाँ रहते हुए ग्रोवर्स वैदे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसने घबराने की एक्टिंग करते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या हमारे नए घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है? वैदे ने निराश होकर कहा, उन्होंने पहले कहा था कि घर आज तैयार हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो उन्होंने बात बदल दी। मुझे लगता है उन्हें और पैसे चाहिए। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जानकी चेहरे से बहुत गुस्से में और मजबूर दिख रही थी। संजना उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी और उसे पता चला था कि वो दोनों एक्टिंग कर रहे थे। वो सोच रही थी कि ये बात पता नहीं जनरल ग्रोवर को समझ में आई होगी या नहीं, लेकिन तभी उसे उनकी आवाज सुनाई दी। संजना? जी डैडी। संजना तुरंत एक अच्छी बच्ची की तरह उनके पास पहुंच गई। जनरल ग्रोवर संजना के व्यवहार से बहुत खुश थे। अब वो समझ गए थे कि करण संजना से इतना प्यार क्यों करता था और उसके सिवा किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छी बात है, वो भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। वो माँ बेटी जैसी चालाक औरत नहीं थी, वो एक सच्ची इंसान थी और आजकल की फैशनेबल और चालू लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। अचानक उनकी नजर वैदे पर पड़ी, फिर उन्होंने संजना को देखकर कहा, जाओ और जाकर ये मामला सुलझाओ। ये कोई आग्रह नहीं था,
ये उनका ऑर्डर था। जनरल ग्रोवर को हर बात में ऑर्डर देने की आदत थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि काम कैसे होगा, बस उनका ऑर्डर पूरा हो जाना चाहिए। संजना को ऑर्डर देकर वो वहां से चले गए। नीना ग्रोवर भी उनके पीछे चली गई। संजना को यह देखकर बहुत सुकून मिला। वो मन ही मन अपने ससुर पर बहुत गर्व कर रही थी। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया, कुछ तो गड़बड़ थी। उसे इस मामले को सुलझाने के लिए क्यों कहा गया था? अब उसे पता चला कि जनरल ग्रोवर को उनके बेटे डैड क्यों नहीं बोलते। वो जब भी बात करते हैं ऐसे लगता है जैसे वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहे हों। संजना ने वैदेही की तरफ देखा, जो नफरत भरी आंखों से जनरल ग्रोवर और नीना ग्रोवर को जाते हुए देख रही थी। संजना ये देखकर दंग रह गई थी। जब वैदेही को एहसास हुआ कि संजना उसे देख रही है, तो वैदेही के एक्सप्रेशन बदल गए और वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। एक बार को सच में संजना को यही लगा कि उसे कोई गलतफहमी हो रही थी। उसने भी मुस्कुराकर पूछा, मिस वैदेही, क्या आप बता सकती हो कि प्रॉब्लम क्या है? वैदेही ने उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, क्या मैंने अभी बताया नहीं था? पता नहीं क्यों वो लोग हमें घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। संजना जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। उसने पूछा, क्या आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? वैदेही बोली, नहीं, बस ऐसी बात हुई थी। ठीक है, मैं समझ गई। संजना ने आगे कुछ नहीं पूछा और ना ही उसे खुद समझ आ रहा था कि वो ये मामला कैसे सुलझाएगी। वो मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर के देख रहा है। उसे ये जानने की उत्सुकता हुई थी कि कहीं वैदेही उसे भी नफरत से घूर तो नहीं रही। इसीलिए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वैदेही के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। संजना ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग भी जाकर आराम कर लो, गुड नाइट। ये कहकर संजना अपने कमरे में चली गई। उसका और करण का कमरा दूसरे फ्लोर पर था, जबकि जनरल ग्रोवर और नीना का कमरा तीसरे फ्लोर पर था। संजना सबसे पहले तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो जनरल ग्रोवर से पूछना चाहती थी कि उसे इस मामले को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए। उसे खुद नहीं पता था कि वो ये जिम्मेदारी पूरी कर भी पाएगी या नहीं। नीना ग्रोवर को थोड़ी घबराहट हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं जनरल ग्रोवर इसीलिए जानकी को घर से जाने के लिए तो नहीं कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें पीछा करते हुए देख लिया था। इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप सचमुच जानकी को इस घर से जाने के लिए कह रहे थे? जनरल ग्रोवर ने कहा, क्या तुमने ठीक से सुना नहीं था? नीना ग्रोवर ना चाहते हुए भी बोली, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि उनका घर अभी तैयार नहीं है। अगर ऐसी बात है तो उन्हें कॉटेज में रहने दो, उनके यहाँ रहने से हमें क्या फर्क पड़ेगा। जब जनरल ग्रोवर ने नीना ग्रोवर की बात सुनी तो वो समझ गए कि वो झूठ बोल रही है, और उनको जानकी की बात याद आई। भले ही दोनों उनसे झूठ बोल रही थी, लेकिन उन पर दोनों के झूठ का अलग अलग असर हो रहा था। एक का झूठ सुनकर उन्हें नफरत हो रही थी और दूसरे का झूठ जैसे उनके कानों में शहद घोल रहा था। भले ही जानकी उनसे पास्ट में सच्चा प्यार करती हो, लेकिन आज वो औरत सिर्फ शानो शौकत के लिए उनके करीब आना चाहती थी, जबकि उनकी बीवी का दिल बहुत साफ था। इतने सालों के बाद भी वो जरा भी नहीं बदली थी। उन्होंने नीना ग्रोवर को प्यार से किस कर लिया। नीना ग्रोवर ने घबराकर उन्हें पीछे धकेल दिया, लेकिन जनरल ग्रोवर ने उन्हें अपनी बाहों में लेकर दरवाजा बंद कर दिया। जब संजना उनके कमरे में पहुंची तो उसने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। ये क्या था? हे भगवान, उसने अपने सास ससुर को किस करते हुए देख लिया था। संजना शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। करण जैसे ही नहाकर बाहर आया, उसने संजना को हांफते हुए देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? मैं क्या उसे करण को बताना चाहिए कि उसने क्या देखा? बिल्कुल भी नहीं, उसने गहरी सांस भरकर कहा। डैडी चाहते हैं कि जानकी और वैदेही दो दिन में यहां से चली जाए, लेकिन उनके नए घर में कोई प्रॉब्लम हो गया है और दूसरी पार्टी अब घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। डैडी ने मुझे इस मामले को सुलझाने का ऑर्डर दिया है, अब मैं क्या करूं? करण उसे परेशान देखकर मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात है, फिर तुम इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन मैं इस मामले को कैसे सुलझाऊं? संजना ने करण से पूछा। जल्दी से मुझे कोई आइडिया दो, मिस्टर करण ग्रोवर। करण एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठ गया और संजना उसे चाय सर्व करने लगी। देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, करण ने मन में सोचा। ये लड़की फिर से एक्टिंग करने लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। संजना उसके हाथ दबाने लगी। बताओ ना, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। भले ही जनरल ग्रोवर ने संजना को ऑर्डर दिया हो, लेकिन वो सच में उसे ये काम करने के लिए नहीं कह रहे थे। वो सिर्फ करण तक ये बात पहुंचाने का एक जरिया थी। सच? संजना खुशी से चीखी। तुम कितने अच्छे हो करण, तुम्हारे जैसा पति सबको मिले। करण उसकी बात सुनकर हंसने लगा। संजना कुछ सोचकर बोली, तुम वैदेही के बारे में पता करो, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। सोने से पहले संजना ने अपना फेसबुक चेक किया और सच में करण के बारे में जितनी भी खबर छपी थी वो सब डिलीट हो चुकी थी। आखिर वो सारी झूठी खबरें थी। कोई भी नई खबर आते ही लोग पुरानी खबरें भूल जाते हैं। इस वक्त संजना सिर्फ वैदेही के बारे में जानना चाहती थी। करण ने किसी को उसके बारे में पता लगाने का काम सौंप दिया था। उसे जल्दी पता चल जाएगा कि वैदेही भी उसकी बहन के स्कूल में थी या नहीं, और अगर वो रोशनी और समीरा को जानती है तो इसका मतलब वो उन चार लोगों में से है जिन्होंने उसकी बहन को टॉर्चर किया था। अपने पैर की चोट का बहाना बनाकर संजना देर तक सोना चाहती थी,
लेकिन सुबह त्रिशा के फोन से उसकी आंख जल्दी खुल गई। संजना जाओ जल्दी से फेसबुक चेक करो, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? त्रिशा से बात करने के बाद संजना ने अपना फेसबुक अकाउंट चेक किया। वहां बहुत सारे रीपोस्ट थे। एक बार फिर करण इंटरनेट पर छाया हुआ था, लेकिन इस बार लोग उसकी बुराई नहीं कर रहे थे, इस बार टॉपिक कुछ और था। ताजा खबर, हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि करण ग्रोवर जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसका सच्चा प्यार उसकी पहली मंगेतर रोशनी थी, जिसे उसने धोखा दिया। उस मंगेतर ने उसकी पहले जान बचाई थी और इस वजह से उन दोनों की सगाई हो गई। दोनों साथ बड़े हुए और दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। उसकी मंगेतर रोशनी इतने सालों से करण से शादी करने का इंतजार कर रही थी और इस साल दोनों की शादी भी होने वाली थी। वो शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन तभी वो लड़की बीच में आ गई और उसने करण को उसे छीन लिया। करण को जल्दी उसे प्यार हो गया, अभी वो पिता बनने वाला है। हमें उसकी मंगेतर से बहुत हमदर्दी है, उसे न केवल धोखा दिया है बल्कि उस शाते लड़की ने करण से कहकर उसके परिवार को भी बैंकक्रप्ट करवा दिया है। हमें पूरा यकीन है कि रोशनी को आज करण की जान बचाने के लिए बहुत पछतावा हो रहा होगा। ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई थी। भले ही करण ने यह खबर भी डिलीट करवा दी थी, लेकिन अभी भी लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे। अब जब सब जानते थे कि ये खबर करण और उसके मंगेतर रोशनी के बारे में है, तो उन लोगों को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि खबर के अनुसार चालबाज लड़की वो है। और सचमुच एंटरटेनमेंट न्यूज के अकाउंट ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें संजना अपने एथलीट स्विम सूट में करण के पास खड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए बातें कर रहे थे। फोटो थोड़ी धुंधली सी थी, जाहिर था ये फोटो पुरानी थी और उनको पता नहीं था कि किसी ने उनकी तस्वीर खींची थी। जल्दी ही लोगों ने पहचान लिया कि करण के साथ खड़ी लड़की संजना है। फिर किसी ने ये पोस्ट कर दिया, वो चालबाज लड़की एक एथलीट है। ये खबर लीक होते ही सबने अंदाजा लगा लिया कि करण की बीवी संजना है और उसी ने करण और रोशनी का रिश्ता तोड़ा था। इसके साथ ही संजना के फेसबुक अकाउंट पर लोगों के कमेंट्स आने लगे। बहुत से लोगों ने इस खबर पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग इस खबर को सच मान बैठे थे। उसके कुछ फैन उससे बहुत निराश हुए थे और उसके पेज पर नेगेटिव कमेंट डाल रहे थे। संजना, तुम्हारा करण ग्रोवर के साथ क्या रिश्ता है? क्या वो सच में तुम्हारा पति है? हे भगवान, बेशर्म, इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी सोशल मीडिया पर अपने प्यार के स्टेटस डालते हुए शर्म नहीं आई? तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने ग्रोवर्स को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? कितनी शातिर हो। करण से दूर रहो। फेसबुक के कमेंट्स पढ़ते हुए संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उनका मुंह तोड़ देना चाहती थी। वो लोग बिना सच जाने उसकी बेइज्जती किए जा रहे थे। वो जानती थी कि सोशल मीडिया पर लोगों को सच जाने की परवाह नहीं होती। उन्हें बस बातें करने और अफवाह फैलाने के लिए कोई टारगेट चाहिए होता है और बस वो लोग बिना किसी सबूत के उसके पीछे पड़ जाते हैं। सिर्फ एक खबर इंटरनेट पर आ जाने से क्या हर किसी को उसके खिलाफ बातें करने का हक मिल जाता है? उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा। भले ही रोशनी ने बहुत बुरे काम किए हों, लेकिन सिर्फ इस खबर की वजह से आज पूरा सोशल मीडिया उसकी तारीफ कर रहा था। उस बेकार इंसान को भूल जाओ, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। बेचारी मंगेतर, एक इंसान की जान बचाने की कीमत उसे अपने परिवार की बर्बादी से चुकानी पड़ी। अगर मैं आपकी जगह होती तो उन धोखेबाजों की जान ले लेती। हम कामना करते हैं कि मेहरा परिवार इस मुश्किल से उबर सके और भविष्य में इतनी तरक्की करे कि उन धोखेबाजों को पछतावा हो। इस वक्त सबसे ज्यादा खुश रोशनी थी। उसने भी सोशल मीडिया की आग को और भड़काने के लिए एक पोस्ट डाला था, रोशनी मेहरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके आगे उसने अपनी एक सेल्फी भी डाल दी थी। सभी लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे थे कि वो कितनी खूबसूरत है। उसके जैसी चालाक और जहरीली इंसान के फैन भी अंधे ही होते हैं। ये सब देखकर संजना का दिल जल रहा था, लेकिन उसे ये सारा मामला बहुत अजीब लग रहा था, जैसे ये सब किसी की साजिश हो। पहले जब करण ने उसके लिए ड्रेस खरीदी तो उसकी खबर सोशल मीडिया पर आ गई, फिर उसकी शादी की खबर आई और कैसे उसने उसे धोखे से फंसाकर शादी की, और लोग ये कह रहे थे कि उसे किसी और से प्यार हो गया तो उसने अपनी मंगेतर को धोखा दे दिया। आखिर कोई ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहता है? संजना करण से बात करने के लिए उसे ढूंढने लगी। वो इस वक्त दूसरे फ्लोर पर था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज बहुत गहरी और बेरुखी सी थी। संजना समझ गई कि उसे इस फेसबुक की खबर के बारे में मालूम है। वो शायद इसीलिए इतनी बेरुखी से फोन पर बात कर रहा था क्योंकि वो इस मामले को लेकर बहुत परेशान था और उसके हिसाब से इस मामले को ठीक से सुलझाया नहीं गया था। क्या इसका असर ग्रोवर फैमिली पर भी पड़ेगा? फोन पर बात करके उसने देखा कि संजना निराशा से सोफे पर बैठी हुई थी। उसको देखते ही वो समझ गया, उसके पास आकर बैठ गया। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। संजना ने पूछा, क्या कोई चोरी छुपे ये सब कुछ कर रहा है? करण ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी हिचकिचाते हुए संजना ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम लोग सबको सच बता दें? सच? करण ने गुस्से में बोला, सामने वाली पार्टी ने हमारे लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई खोदी है। अगर हमने कुछ भी किया तो हम फंसेंगे। संजना को समझ नहीं आया, कुआं और खाई से तुम्हारा क्या मतलब है? करण ने फिर शांति से उसे समझाया, हम लोगों को क्या सच बताएंगे? या तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं था जिससे वो अफवाह सच साबित हो जाएगी। तुमने मुझे सीड्यूस किया और फिर
प्रेग्नेंट होने की वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली। या हमें ये कहना पड़ेगा कि हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि मैंने अपनी उस मंगेतर को धोखा देकर तुमसे शादी की है जिसने मेरी जान बचाई थी। ये सब सुनकर संजना का चेहरा पीला पड़ गया और वो बहुत डर गई। उसने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। दूसरी पार्टी एक तीर से दो निशाने लगा रही थी। अगर वो ग्रोवर्स के इस शेर को हरा नहीं पाए तो कम से कम वो संजना नाम की चिड़िया को तो रास्ते से हटा ही सकते हैं। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर गुस्से से दांत भींचती हुई बोली, मैं जानती हूँ कि रोशनी तुम्हारी मंगेतर थी, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम्हारी जान बचाने की वजह से तुम्हारी उससे सगाई हुई थी। अगर हम ये कहें कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं, तो लोग तुम्हारे डैडी और भाइयों के पीछे पड़ जाएंगे। क्यों ना हम दूसरा रास्ता अपनाएं? हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें सेड्यूस करके तुमसे शादी की। वैसे भी मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। करण ने धीरे से उसके सर पर चपत मारते हुए बोला, क्या तुम स्टूपिड हो? संजना ने उदास होकर कहा, मैं बस इस मामले को हल करने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। किसने कहा कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है? करण ने उसे समझाया, अगर तुम सारी बातों का दोष अपने ऊपर ले लोगी तो तुम्हें क्या लगता है ये सब खबरें बंद हो जाएंगी? तुम गलत सोच रही हो, ये सब एक साजिश है। अगर तुमने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया तो तुम्हें बचाने के लिए ग्रोवर्स को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। फिर शायद तुम ये भी सोचो कि हमें तलाक ले लेना चाहिए जिससे ग्रोवर्स का नाम खराब ना हो। लेकिन उसके बाद क्या? फिर लोग हमारे बारे में बातें करेंगे और हमें हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा। फिर भी लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर मीडिया क्या लिखेगी कि ग्रोवर्स ने बदनामी से बचने के लिए एक औरत का सहारा लिया और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा संजना का इन सब में कोई दोष नहीं था और ना ही सिर्फ उसे टारगेट बनाया जा रहा था। इसमें टारगेट पूरा ग्रोवर फैमिली था, और अगर सिर्फ उसे ही टारगेट बनाया जाता तो भी वो उसे ऐसा कुछ नहीं करने देते। भले ही संजना को इससे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उन्हें तो फर्क पड़ता है। संजना ने इतनी गहराई से इन सब बातों के बारे में सोचा नहीं था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई, बोली, फिर अब हम क्या करेंगे? करण बोला, थोड़ा इंतजार करो और देखो। ऑफकोर्स, उसे इंतजार करके देखना था। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सुनकर हंसे या रोए। उसने अपना सर करण के कंधे पर रखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है इन सब के पीछे किसका हाथ है? संजना अंदाजा लगा रही थी, क्या ये सब रोशनी ने किया है? सबसे पहले उसे यही ख्याल आया क्योंकि वही तो थी जो लगातार उसके पीछे पड़ी हुई थी। करण बोला, हो सकता है। बहुत से लोग रोशनी और उसकी सगाई के बारे में जानते थे, लेकिन इतने सालों के बाद कोई अचानक इस बात का मुद्दा क्यों बनाना चाहेगा, सिवाय मेहरा परिवार के जो अब बैंकक्रप्ट हो चुके थे। संजना ने गहरी सांस भरी, ये सब कुछ काफी उलझा हुआ सा लग रहा है। अचानक उसे किसी का ध्यान आया। वो जनरल ग्रोवर और नीना ग्रोवर को नफरत से घूर रही थी। संजना ने पूछा, कहीं इन सब के पीछे वैद्य तो नहीं? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? करण सोफे पर आराम से बैठकर बोला, उसने ज्यादातर साल विदेश में बिताए थे और कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन वो भी तुम्हारी बहन के स्कूल में पढ़ती थी। संजना झटके से उठी, क्या कहा तुमने? उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ और वो बोली, तभी तो वैद्य, वो भी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने मेरी बहन को टॉर्चर किया था। हाँ, करण बोला, ऐसा लगता तो नहीं कि वो रोशनी को ठीक से जानती है, लेकिन वो समीरा की बहुत अच्छी दोस्त है। करण को जो कुछ भी पता चला था वो बस संजना को बता रहा था, लेकिन वो संजना की बातों से सहमत नहीं था। लेकिन संजना को पूरा विश्वास था, ये वही है। जब मेरी बहन को बुरे सपने आते थे तो मैंने उसे वैद्य का नाम पुकारते हुए सुना था, और अब जब ये इंडिया वापस आई है तो किसी ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन सब में वैद्य का हाथ हो सकता है? मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ, करण ने हिचकिचाते हुए कहा। हमारी शादी, मैं शादी की तारीख आगे बढ़वा देता हूँ। शायद संजना अपनी बहन के बिना शादी नहीं करना चाहती होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, संजना ने मना करते हुए कहा। जिसने भी मेरी बहन को किडनैप किया है वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता है, और मैं उनकी ये चाल कैसे कामयाब होने दूं? मैं अपनी जिंदगी खुशी से बिताना जारी रखूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहन भी यही चाहती होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी हमें वो मिले तो हम सब खुशी से रहें और हमें उसके बाद कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसके अलावा अगर हमने शादी की तारीख आगे बढ़ाई तो नानी सवाल पूछेगी और मैं उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती। करण चुपचाप उसे देखता रहा। उसके दिल में बहुत दर्द था। भले ही संजना ऊपर से नॉर्मल दिख रही हो, लेकिन वो जानता था कि जब से उसकी बहन किडनैप हुई थी उसे तब से बुरे सपने आने लगे थे और वो डर कर रात को जाग जाती थी। करण को उसकी बहुत चिंता थी। उसने प्यार से संजना के गालों पर हाथ फेरा और फिर उसे गले से लगाते हुए किस कर लिया। दोनों बहुत देर तक किस करते रहे, फिर संजना ने उसे हग कर लिया। करण गहरी आवाज में बोला, मुझे इस वक्त सीरियस मत करो। मुझे जरूरी काम से जाना है, करण ने उसे प्यार से कहा और फिर वो वहां से चला गया। संजना उसे देखती रही। सीरियस मत करो, शुरुआत उसने की थी। संजना भी करण के पीछे पीछे नीचे चली गई, और जैसे ही वो उसके सामने आया वो उसकी पीठ पर चढ़ गई। दोनों लिविंग रूम में वैद्य से टकराए। वैद्य ने उन दोनों को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग,
आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? करण ने उसे इग्नोर कर दिया, बस उसे घूर कर देखता रहा। उसको ऐसे घूरते देख कर वैदेही दंग रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर में वो एक दोषी से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वैदेही को संभलने में काफी वक्त लगा। तब तक करण जा चुका था और वो बस अपनी घबराहट छुपाने के लिए संजना को देखकर मुस्कुराई। उसके दिल में 30% डर, 30% बेचैनी और 40% नफरत भरी हुई थी। मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, मैं नहीं, संजना ने उसे कैजुअली जवाब दिया और किचन में चली गई। कुक ने उसे देखते ही गुड मॉर्निंग कहा और फिर उसका नाश्ता तैयार करने लगी। जब संजना नाश्ता कर रही थी तो वैदेही उसके पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर संजना के लिए चिंता दिख रही थी। उसने पूछा, संजना क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, संजना ने उसे देखते हुए कहा। उसने वैदेही के चेहरे पर चिंता के बनावटी एक्सप्रेशन देख लिए थे। ऐसी बात है क्या? वैदेही को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आगे कहा, जब मैंने थोड़ी देर पहले करण को देखा तो उसका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, जैसे कोई बड़ी बात हुई है। वो घूरते हुए मुझे बहुत डरावना लग रहा था। संजना ने नाश्ता करते हुए पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा? वैदेही ने कहा, मुझे क्या पता, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम जानती हो। अचानक संजना ने घुमाकर बात बंद कर दी। उसका पेशेंस खत्म हो चुका था। वो चेक करना चाहती थी कि वैदेही उन चारों में से एक थी या नहीं जिन्होंने उसकी बहन को टॉर्चर किया था। वैदेही ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर मुस्कुराने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मैं बहुत बोर हो रही थी और मेरे यहाँ कोई खास दोस्त भी नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे पूछने वाली थी कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। संजना ने कहा, तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त नहीं है? क्या तुम्हारे यहाँ कोई पुराने क्लासमेट्स भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है कि तुमने इसी शहर से हाई स्कूल पास किया था। संजना तिरछी नजरों से उसके एक्सप्रेशन देखती जा रही थी। इत्तेफाक से मेरी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। मुझे तो ये भी पता लगा कि आप लोग एक ही क्लास में थे। शायद तुम मेरी बहन को जानती हो, वैदेही ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी बहन? संजना की नजर उसी पर जमी हुई थी। वो उसका एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहती थी। वो बोली, हाँ मेरी बहन, उसका नाम शालिनी है। वैदेही ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैं नहीं जानती। संजना हैरानी से बोली, तुम नहीं जानती? ये तो हो ही नहीं सकता। वैदेही ने एक बार फिर आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी बहन बहुत फेमस थी क्या? तुम दोनों एक ही क्लास में थे, मेरी बहन हमेशा फर्स्ट आती थी, उसकी वजह से तुम्हारा स्कूल बहुत फेमस था, और तुम कह रही हो कि तुम उसे जानती भी नहीं थी। हाँ शायद, संजना थोड़ा रुक कर बोली, तुम झूठ बोल रही हो। वैदेही बहुत देर तक संजना को देखती रही। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे रूखेपन में बदलती जा रही थी और फिर उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। संजना की बातों से पता चल रहा था कि उसने सब पता लगा लिया है। पास्ट में वैदेही सोचा करती थी कि रोशनी भले ही कितनी भी बेवकूफ क्यों ना हो, उसे बिना वजह खुद के लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वो संजना को ठीक से समझ गई थी। भले ही ये शक्ल से सीधी दिखती हो, लेकिन उसे डील करना इतना आसान नहीं था। अब समझ आया कि रोशनी इतनी बुरी तरह से कैसे हारी थी। न केवल वो ग्रोवर्स के घर में शादी करने में कामयाब हो गई, बल्कि उसकी वजह से मेहरा भी बैंकरप्ट हो गए। एक लड़की ने जितनी आसानी से करण ग्रोवर जैसे इंसान से शादी कर ली, उतनी आसानी से ग्रोवर परिवार का दिल भी जीत लिया। वैदेही मान गई थी, संजना तारीफ के काबिल है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तो अब तुम्हारी बहन कहाँ है? संजना ने गुस्से से वैदेही को घूरा, फिर अपने दांत पीछती हुई बोली, ये अच्छा सवाल है, मैं भी नहीं जानती कि मेरी बहन कहाँ है, जैसे तुम उस लड़की को नहीं जानती हो जिसे तुमने सालों पहले टॉर्चर किया था। वैदेही रहस्यमय अंदाज में हंसते हुए बोली, मुझे लगता है कि आज दोनों का शॉपिंग जाना मुश्किल है, इसीलिए मैं अकेली जा रही हूँ। ये कहते हुए वो बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। संजना उसे जाते हुए देखती रही। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। भले ही वैदेही ने उसकी बहन को जानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उसे पूरा यकीन था उसकी बहन बुरे सपने में इसी का नाम लिया करती थी। संजना ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया, लेकिन शांत होने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी भूख भी मर गई थी। जब नीना ग्रोवर नीचे आई तो संजना को रोता देखकर वो चौंक गई और उन्होंने पूछा, मिष्टी क्या हुआ? उन्हें देखकर संजना और जोर से रोने लगी और बोली, मम्मी वैदेही भी उन चारों में से है जिन्होंने मेरी बहन को टॉर्चर किया था। क्या? नीना ग्रोवर को शालिनी के बारे में करण ने सब बता दिया था, लेकिन उनको लगा था कि ये सब सिर्फ रोशनी और समीरा ने किया था। वो ये जानकर शॉक्ड थी कि वैदेही भी इसमें शामिल थी। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। संजना उनकी बहू थी। अगर किसी ने उसकी बहन के साथ गलत किया तो इसका मतलब उसने ग्रोवर परिवार के साथ गलत किया। उनके दिल में एक माँ की ममता जाग उठी। इस बार उन्हें जनरल ग्रोवर के गुस्से की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने नौकरों से जानकी और वैदेही का सारा सामान पैक करवाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और जहां तक उन्हें नए घर में शिफ्ट करने की बात थी, उन्होंने किसी भी तरह की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। नीना ग्रोवर का ये रूप देखकर जानकी के होश उड़ गए। वो वहां से इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती थी,
इसीलिए उसने जनरल ग्रोवर को फोन कर दिया। जनरल ग्रोवर भी उनको अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी बीवी उन्हें आज ही घर से निकाल दे। वो बहुत गुस्से में घर आए और उन्होंने नीना ग्रोवर को घूरते हुए पूछा, तुम उन्हें अचानक घर से क्यों निकाल रही हो? नीना ग्रोवर ने मुंह बनाकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उन्हें किसी भी हाल में इस घर में रहने नहीं दूंगी। जानकी की बेटी भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने संजना की बहन को टॉर्चर किया था। अगर आपने उन्हें घर में रहने दिया तो क्या संजना उन्हें रोज अपने सामने देखकर खुश रह पाएगी? उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, आप मानो या ना मानो इस बार फैसला मैं लूंगी। इन दोनों को आज ही इस घर से जाना होगा। संजना को महसूस हुआ कि उसकी सास बिल्कुल उसकी माँ की तरह है, जो उसकी खुशी के लिए जनरल ग्रोवर से लड़ने को भी तैयार हो गई। जनरल ग्रोवर एक पल के लिए दंग रह गए। उनकी बीवी तो एकदम सीधी सादी थी, कभी आवाज ऊंची करती भी नहीं थी। आज वो पहली बार पूरे हक से अपना फैसला सुना रही थी। उन्होंने संजना की तरफ देखा। जब से नीना ग्रोवर ने उनके साथ रहना शुरू किया था तब से वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी। उनका एटीट्यूड भी बदल गया था। ये ठीक नहीं है, जाओ जाओ तुम दोनों यहां से निकल जाओ। अब जब जानकी और उसकी बेटी दोनों यहां से जा रहे थे तो इस लड़की को भी करण के साथ अपने घर से चले जाना चाहिए, वरना ये मेरी बीवी को और बिगाड़ देगी। जानकी को नीना की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है, ये सच नहीं है। वैधे तुम्हारी बहन को टॉर्चर कैसे कर सकती है वो? लेकिन तभी उसे याद आया कि उस वक्त वो भी हाई स्कूल में पढ़ती थी। ये ध्यान आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये सारी बातें इत्तफाक है? वो लड़की संजना की बहन थी। आप दोनों अगले दो दिनों के लिए होटल में रुक जाओ, मैं किसी को भेजकर होटल में इंतजाम करवा देता हूँ। जनरल ग्रोवर की कड़क आवाज गूंजी और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जानकी ये सुनकर निराश हो गई। लगता है अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ रुकने की जिद करती रही तो वो जनरल ग्रोवर को और नाराज कर देगी और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने अभी यहाँ से चले जाने के लिए कहा है और उसे चले जाना चाहिए। माहौल के शांत होने का इंतजार करना चाहिए। कार में बैठकर जानकी ग्रोवर मेंशन को नफरत और गुस्से से देखती रही। एक दिन वो जरूर वापस आएगी और संजना और नीना दोनों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी। जनरल ग्रोवर ने करण को ऑर्डर दिया कि वो घर आकर अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाए। ये जानकर नीना ग्रोवर बहुत नाराज थी और उन दोनों को वापस भेजना नहीं चाहती थी। मत जाओ, तुम लोग कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते? संजना भी कुछ और दिन नीना ग्रोवर के साथ रुकना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने ससुर को गुस्से में घूरते देखा तो उसने तुरंत करण के साथ वापस जाने का मन बना लिया। घर जाते वक्त रास्ते में करण ने पूछा, तुम लोग उन्हें घर से भगाने में कामयाब कैसे हो गए? वो जितना अपने पिता को जानता था वो बिना किसी ठोस वजह के ऐसा कभी नहीं करते। वो जो भी करते हैं उनके पीछे फीलिंग्स नहीं बल्कि लॉजिक होता है।